की क्रिकेट है, लेकिन इतने प्रोफेशनल एंकर, इतने प्रोफेशनल कमेंटेटर, इतने प्रोफेशनल अंपायर और इतने बड़े स्तर के खिलाड़ी जो यहाँ पर पहुँचे हैं और जो सुविधाएं यहाँ पर ग्राउंड की ओर देख रहे हैं, तो उससे बड़ी खुशी होती है। तो मैं तो एक बार फिर से स्प्रिंटर और चौधरी क्रिकेट क्लब का धन्यवाद करूंगा कि जो टेनिस क्रिकेट को एक नए स्तर पर लेकर के गए हैं। क्या बात है, क्या बात है, जोरदार तालियां होनी चाहिए। और राम राम करते हैं और दोनों टीमों को बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं। समय हो गया इस मुकाबले की शुरुआत का। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और क्या एनर्जी नजर आई प्रमिता, पूरी तरह से इन्होंने आज के दिन की एनर्जी को बतला दिया हमारे सभी साथियों को। और आपको क्या क्या समझ आई बातें और क्या आपको सबसे अच्छी बात लगी उनकी? राजस्थान में आके हरियाणा के लोग अगर इतना तारीफ कर सकते हैं तो क्या ही बोले, बिकॉज मैं खुद बाहर से हूँ एंड आई फील राजस्थान के मेहमान नवाजी इज माशाल्लाह क्या कहे। और आज होने वाला ये टक्कर का मैच, और हमने कल के मैचेस में भी देखा है जो बैटिंग करते हैं थोड़ा लेवरेज उनका होता है, बट कुछ भी हो सकता है। हम गेंदबाजी भी बहुत अच्छे देखे कल, नो डाउट, बिकॉज टेनिस क्रिकेट की बात किया जाए जो कि चौधरी क्रिकेट क्लब और स्प्रिंटर्स ऑनलाइन इतना अच्छा टूर्नामेंट कर रहे हैं, इतने अच्छे प्लेयर्स हैं, सो सबको तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहूंगी इतना अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए। और बाकी आज देखते हैं, 6 एक्साइटिंग मैचेस होंगे, नॉकआउट मैचेस हैं। इसके पहले क्या कहना चाहेंगे हर्षित अबाउट द पिच ऑफ द गेम एंड टुडेज एक्सपेक्टेशंस, क्या है आपकी? देखिए, अब हम दिखाने वाले हैं वो मैचेस आप सभी को एक बार फिर से। तो चलिए चलते हैं मुकाबले की शुरुआत की तरफ, बहुत सारी वार्तालाप करेंगे, तब तक लिए बने रहिए हमारे साथ। आई एम योर प्रेजेंटर हर्षित शर्मा अलोंग विद प्रमिता साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस टॉस सेरेमनी, बट जुड़ेंगे आप सभी के साथ इन द कॉम बॉक्स। थैंक यू।
भीलवाड़ा क्लब ने यहाँ पर वीर तीज क्लब भीलवाड़ा ने किया है पहले बल्लेबाजी का फैसला, पर देखते हैं कि क्या आज एक बार फिर से बल्लेबाजी का पहले फैसला किस तरह से आगे ले जा पाएगा। मैं प्रमित, जब हमने हरियाणा टीम के कैप्टन से बात की, जो एनर्जी उनकी नजर आई, उस एनर्जी से पता लगता है कि हरियाणा जो टीम है वो निश्चित तौर पर एक बहुत ही बेहतरीन अंदाज में यहाँ पर आगे बढ़ना चाहेगी। इंडीड, आप हरियाणा के एथलीट्स के बारे में बात करें, हरियाणा से ही सारे एथलीट्स प्लेयर्स निकल के आते हैं, वर्ल्ड क्लास इंडिया में बेस्ट, बट मुझे लगता है भीलवाड़ा भी कुछ कम नहीं है, वो भी किसी से कम नहीं है, बट अभी देखना पड़ेगा कि मैच पहले इनिंग्स में कैसे खेलने वाला है, हाउ द बैटिंग लाइनअप इज एंड कैसे आगे फॉरवर्ड करेंगे ये मैच एंड कितना बड़ा टारगेट सेट कर सकते हैं उन्होंने काफ़ी कॉन्फिडेंटली। इफ यू हैव टू आस्क मी अबाउट द टीम कैप्टन, काफ़ी कॉन्फिडेंटली और कन्विंसिंगली उन्होंने कहा कि वो बहुत बड़ा टारगेट दे सकते हैं 100 प्लस का आंकड़ा, और कल भी मैचेस हमने देखा जो बैटिंग पहले चूज करते हैं बहुत बड़ा टारगेट खड़े करते हैं इन फ्रंट ऑफ द ओपोनेंट टीम। और चलिए अब समय है इस मुकाबले की शुरुआत का, जहां पर हरियाणा क्लब ने निश्चित तौर पर टॉस जीतकर किया है पहले बल्ले गेंदबाजी कर रहे हैं और निश्चित तौर पर बल्लेबाजी का फैसला लिया टॉस जीतकर वीर तेजा क्लब भीलवाड़ा ने। अब देखते हैं किस प्रकार से शुरुआत हो पाएगी, तो नहीं बल्लेबाजों से सभी ने निवेदन है कि आप जल्द से जल्द मैदान पर पहुंचे, फील्ड पर पहुंचे, मुकाबले को शुरू करने का समय, तो नहीं एम्पायर्स नैना राम जी और अनुप्रिया जी बिल्कुल तैयार, काफी अच्छी जुगलबंदी इन दोनों की नजर आती है ऑन द फील्ड, जिस प्रकार से बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रास्ट आपको नजर आता है, जिस प्रकार से कॉन्ट्रास्टिंग आज कलर्स में रिजवान चांद जी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होंगे और बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स में आज आए हैं, ब्राउन एंड ब्राउन कॉम्बिनेशन है, और आज बिल्कुल शोरूम से न्यू रेबन के ग्लासेस लेकर हमारे साथ मौजूद होंगे जिनका भी स्वागत करेंगे हम। और चलिए दोनों ही बल्लेबाज अब बिल्कुल तैयार ऑन द फील्ड जाने के लिए। तो चलिए दोनों बल्लेबाज अब क्रीज पर यहां पर जाने के लिए पूर्णतः तैयार, आगाज होगा किस प्रकार का आज के दिन का डे नंबर 4। क्या मैच हुआ यार, आप लोग देख रहे हैं वहाँ शादी में भी मतलब एक तरह सब मैच लगाए बैठे हैं। बता रहा हूँ ना वहाँ जिस निका का प्रोग्राम चल रहा था सब, बाकी वहाँ सब मैच देख रहे हैं। बिल्कुल
चलिए पहली गेंद हरियाणा क्लब एक बार फिर से तैयार राइट हैंड मूव द विकेट के साथ गेंदबाज लंबे चौड़े गति के गेंदबाज गतिशील गेंदबाज हैं। ओवर द विकेट के साथ पहली गेंद ब्रेटली के जैसा एक्शन थोड़ा सा मुझे नजर आया प्रमिता अगर आप ध्यान देंगे अगली गेंद पर और आशा करता हूं कि आप ब्रेटली को जानते होंगे बहुत अच्छी तरह से। जी हाँ ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजों में से एक और थोड़ा सा ऐसे एक्शन यहाँ पर जो उनका हाथ होता है जिस जो इनका डिलीवरी हैंड होता है उसे वापस पीछे खींचते हैं रीलोड करते हैं और उसके बाद डालते हैं। और जब हम ब्रेटली की बात करते हैं तो हमारे बंटी भाई जी बताते हैं कि उन्होंने बहुत समय व्यतीत किया है ब्रेटली के साथ काफी नेट्स में बैटिंग की है उनके विरुद्ध। और एक और बार अच्छी गेंद यहाँ पर अच्छी लाइनअप पर गेंदबाजी करते हुए दिखाई दिए और बहुत ही जल्द हमारे साथ कॉम्बॉक्स में जुड़ जाएंगे रिजवान चांद जी जो कि सीधा यहां पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राइट पार्टनरशिप अभी पार्टनरशिप बिटवीन महावीर जट एंड जॉन्टी एंड जीतू जी इज बोलिंग आउट देयर फर्स्ट ओवर ऑफ द फर्स्ट गेम ऑफ दिस टूर्नामेंट टुडे। और अगली गेंद क्या ये पहला बड़ा शॉट यहां पर नजर आएगा जिस प्रकार से भीलवाड़ा की टीम ने कहा था कि ये टीम जुझारू टीम है ये लड़कपन के साथ खेलना जानती है ये जानती है कि इस प्रकार से आपको वहां पर अपने विकेट्स के साथ वहां पर बचाते हुए रनों का कामना की तरफ लेकर जाना एक बहुत ही बेहतरीन क्लब आपको नजर आता है दोनों ही टीमों के साथ और एक बेहतरीन मुकाबले की तरफ हम जा रहे हैं और यूं ही आप सभी तक लगातार सफर बयां करते चले जाएंगे। अगली गेंद बिल्कुल ऊपर की तरफ डाला है इस बार रन आउट का मौका हो सकता था मिड ऑन की दिशा में वहां पर फील्डर मौजूद थे बहुत ऊपर मौजूद थे अक्सर हम इतना देखते नहीं कि कैचिंग पोजीशन पर इतना ऊपर फील्डर मौजूद हो पर पहला ओवर यहां पर अच्छा घटित हुआ है गेंदबाजी टीम के लिए। पहले ओवर में अभी तक बहुत ही अच्छी तरह से गेंदबाजी की है सिर्फ 3 रन खर्चे गेंदबाजी ट्रैक पर आपको नजर आ रहे हैं जीतू। अगली गेंद प्ले एंड मिस खेलना चाहते थे बहुत दूर पहला ओवर समाप्त हो चुका है प्रमिता अभी तक गेंदबाजी अच्छी रही है इस ओवर में एंड द स्कोर्स आर 3 विदाउट एनी लॉस पहला ओवर हो चुका है खत्म। गुड बॉलिंग लाइनअप जीतू जी ने काफी अच्छा बॉलिंग किया काफी ओपोनेंट के आगे रन्स वर रिस्ट्रिक्टेड गुड सो श्रेय जाता है गेंदबाजी के तरफ से From the Haryana Chaudhary, Haryana Chaudhary Club, लाजवाब गेंदबाजी in the first over. चलिए और अब दूसरे ओवर की पहली गेंद क्या यहां पर ये पहली गेंद पर सातवीं गेंद पर जाकर बाउंड्री आएगी वेलकम बाउंड्री। अच्छा बाहरी किनारा था यहां पर अच्छी गेंद थी एक बार फिर से अच्छी लाइन और लेंथ के साथ उठकर वहां पर आ रही थी बाहरी किनारा लगा सीधा वहां पर थर्ड बैन की दिशा में गई और तेजी के साथ ही आउटफील्ड बहुत तेज है कि चिन्ना स्वामी की तरह मैदान है अगर बल्ले पर एक बार गेंद आने लग जाए तो आते चले जाते हैं। और बहुत ही शानदार कैपेबिलिटीज यहां पर आपको नजर आती है जब आप ऐसे शॉट्स देखते हैं एक अच्छा मनोहर दिखलाने वाला दृश्य वहां पर आप सभी को फिर से नजर आया। और अच्छी विकेट टू विकेट लाइनअप पर आप देखना चाहते हैं अच्छी गेंदबाजी आप देखना चाहते हैं कैसे यहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अजय आए गेंदबाजी ट्रैक पर शुरुआती 2 गेंदे 2 अच्छे शॉट एक बार फिर से लीजिए 2 चौकों के बाद एक बार फिर से बाजुओं में किया है प्रहार
और थोड़ा ज्यादा छोटा गेंद था और कैपिटलाइज करते हुए वहां पर बल्लेबाज बहुत ही अद्भुत शॉट वहां पर खेलते हुए नजर आए। चौंटी वहां पर बल्लेबाज है। अगली गेंद एक बार फिर से स्विफ्ट किया है, हल्का सा यहां पर शफल करके ऑफ साइड ऑफ स्टंप वहां पर चले गए थे, इंतजार कर रहे थे कि शायद एक और गेंद वैसी आने वाली है। और इस गेंदबाज की यहां पर हाइट भी उतनी है, अगर आप देखें वहां पर गेंदबाज की हाइट प्रमिता, तो आपको नॉन स्ट्राइकर जो बल्लेबाज है उनसे ऐसा लगता है कि बिल्कुल यूं गर्दन ऊपर करके देखने की आवश्यकता होती होगी गेंदबाज को। इंडीड, और पहले ही ओवर में 3 रन आए थे, बट इसी ओवर के बाद करें तो बैक टू बैक 1 बाउंड्री एंड देन 6। ओ, इस बार सिर्फ चिप किया स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, स्ट्रेट ड्राइव के जब हम बात करते हैं हमें याद आते हैं सचिन तेंदुलकर की स्ट्रेट ड्राइव्स, राहुल द्रविड़ की स्ट्रेट ड्राइव, जिस प्रकार से वो खेलते हैं। और इस बार सिर्फ चिप किया था हल्का सा, यानी अलोंग विद द कार्पेट खेलने नहीं गए थे, थोड़ा सीधा वहां पर खेलने चले गए थे हवा में, हाफ हार्टेड शॉट था। बट अच्छे गेंदबाज हैं जो है वो चाहेंगे अपनी टीम के लिए अच्छे लेंथ पर गेंदबाजी करना, और ये लेंथ जब जब वो डालेंगे लाइन जरूर थोड़ा सा अंदर करना होगा, बट ये लेंथ में कोई खराबी नहीं थी, जिस लेंथ पर आप गेंदबाजी चाहते हैं बिल्कुल वही लेंथ यहां पर आपको नजर आई। एक्स्ट्राज में जरूर एक रन जुड़ता हुआ, बट एक बार फिर से वो सही समय, और समय की अगर बात हुई तो समय बता दें कि 40 मिनट, 38 से 40 मिनट गेंदबाजी टीम को दिए जाते हैं वो 10 ओवर समाप्त करने के लिए। अगर उन निर्धारित समय में नहीं कर पाते हैं आप समाप्त, तो आपको एक फील्डर एक्स्ट्रा अंदर बुलाना होता है। दो ओवर की समाप्ति, स्कोर्स आर 24-0 विदाउट एनी लॉस। सेकेंड ओवर काफी इंटरेस्टिंग था देखना, काफी ज्यादा रन्स का कंट्रीब्यूशन हुआ फ्रॉम मिस्टर जॉन्टी, 1, 6 and 3 बाउंड्रीज बैक टू बैक। और चलिए अब एक बार फिर से यहां तीसरे ओवर की शुरुआत है और अंतिम ओवर पावर प्ले का है। जो हम टारगेट की बात करते हैं पावर प्ले में 30-35 की हम बात करते हैं प्रमिता, कि आप 30-35 रन कम से कम ऑन द बोर्ड लगाना चाहते हैं ड्यूरिंग द पावर प्ले, और क्या लगता है यहां से आपको स्कोर बिना किसी विकेट खोए अगर ये पावर प्ले अच्छा जाता है तो वीर तेजा क्लब भीलवाड़ा के लिए एक आइडियलिक स्टार्ट हो सकती है ये? डेफिनेटली, अगर कल के मैचेस में भी देखें तो पावर प्ले के अंदर काफी ज्यादा अच्छे स्कोर्स बन रहे थे। एंड ओ वाओ, so elegant, so beautiful, just looking like a wow. And जैसे बात कर रहे थे अभी, and अभी भी 4 गेंदे बाकी है for the power play to end and we still have 31 without any loss. And ये काफी अच्छा शॉट रहा था फ्रॉम मिस्टर जॉन्टी, बैक टू बैक बाउंड्रीज सिक्सेस, काफी अच्छा स्टार्ट दिया है उन्हें वीर तेजा क्रिकेट क्लब भीलवाड़ा को। और जॉन्टी क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए जिस प्रकार से इन्होंने बैटिंग की अभी तक। इस बार डाउन द लेग साइड बॉल, अनुप्रिया जी ने तुरंत कहा कि वो भी शाहरुख खान की बहुत बड़ी फैन है, मैं हूं ना, व्हाइट बॉल का दे दिया तुरंत इशारा। एक्स्ट्राज में जुड़ता हुआ एक और बार रन नजर आएगा, और दो नामों का मिक्सचर नजर आता है अनुप्रिया, और इसलिए सबकी प्रिय, यानी कि जिस प्रकार से एम्पायरिंग की फील्ड में इन्होंने अपना नाम जमाया है। नैना राम जी वहां पर आपको स्क्वायर लेग पर नजर आते हैं, और बहुत ही अच्छा, मैं एक बार फिर से साधुवाद देना चाहूंगा चौधरी क्रिकेट क्लब को और साथ ही साथ स्प्रिंटर्स को, जिस तरह से ये पूरा आयोजन सम्मिलित किया है, जिस प्रकार से इसे पूरी रूपरेखा गई गई, सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ बनाया गया है। कल हमने नदीम धनुरी से पूछा, उन्होंने यही कहा कि ये टूर्नामेंट आउट ऑफ द बॉक्स रहा है, क्या शानदार व्यवस्थाएं अरेंजमेंट्स रही हैं। इस बार डाउन द लेग साइड बॉल है, यहां पर एक बार फिर से जो इशारा होगा वो व्हाइट बॉल का होगा, और साथ ही साथ हमारे स्कोरर्स का भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। चीफ स्कोरर जरूर आपको रोहन सैनी नजर आते हैं, जिन पर सारी जिम्मेदारियां होती हैं, और वहीं पर अगर आप अनुज और विनायक की बात करें जो आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन स्कोरिंग देते हुए नजर आते हैं, बहुत ही काबिल तारीफ उनका भी रोल।
Two more balls are left for the power play to end, and the scores are 35 without any loss. Mr. Jaunty on strike again. Jaunty, ये पूरा समीकरण, पूरा माहौल यही कह रहा है. Scores are 41 without any loss. क्या ही बताएं जॉन्टी जी के बारे में. 11 गेंदों में 34 runs, 3 boundaries, 3 sixes and उनका स्ट्राइक रेट अभी है 309. काबिले तारीफ है उनके अभी बल्लेबाजी की बात करें तो. और एक गेंद बाकी है and it's the end of the power play and the scores are 41 without any loss. Yeah, wonderful shots played by Mr. Jaunty. And I think power play mein sabse zyada bada score raha hai agar hum pichle matches ke bare mein baat kare. Max 30 se 33 35 ka scores banta tha, but is baar all kudos to Veer Teja Cricket Club Bhilwara jinhone power play ke andar itna acha sa score bana diya hai. And we have more 7 overs to go and definitely mujhe lagta hai kafi acha sa score ka target de sakte hain against Haryana Chaudhary Club if they are playing at this pace. अच्छा बिल्कुल आपने सही कहा कि और मार्क दिस स्टेट्स आल्सो. 3 ओवर में 41 रन्स, हो सकता है कि आज के सबसे अच्छे पावर प्ले स्कोर्स में से एक हो. ओवर द विकेट के साथ गेंद, इस ओवर की भी शुरुआत बाउंड्री के साथ हुई है. इस ओवर की भी शुरुआत बाउंड्री के साथ हुई है. 19 गेंदों में 45 रन अभी तक आए हैं. अच्छा तो 19 गेंद 45 रन यहां पर आते हुए नजर आए. जिस प्रकार से पहाड़ी नारा था फाइनल की दिशा में, बड़ी तेजी के साथ गेंद गई और बहुत तेजी के साथ वहां पर शॉर्ट फाइनल पर गेंद निकला. इस आउटफील्ड की बात करते हैं कि आपको वन ऑफ द वेरी वेरी वंडरफुल बाउंड्री नजर आती है. बहुत ही अच्छा यहां पर आपको नजर आता है क्या वो आपको आउटफील्ड. और कल भी हमने ऐसे मैचेस देखे थे तो दूसरे दिन में हमने लगातार दो लो स्कोरिंग मैचेस देखे. कल के मैचेस में अक्सर हमने सारे मैचेस जो है वो शतक पार देखा स्कोर. एक अंतिम मुकाबले को अगर आप छोड़ दें, अंतिम दो मुकाबलों को अगर आप छोड़ दें तो कल के मैचेस में 100 प्लस स्कोर आपको लगातार बनते हुए देखने को मिला. तो क्या वो अंतिम दो मैचेस के अलावा बाकी शुरुआती जो 4 मैचेस होंगे उसमें बल्लेबाज ज्यादा बेहतर परिस्थितियों में अपने आप को मानते हैं. ये अच्छी गेंद थी, तेज गति गेंद थी और इसमें कोई वहां पर दोहराए नहीं कि प्रदीप बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत ही अच्छे गेंदबाज हैं. यहाँ पर बिल्कुल अच्छी टप्पे के साथ गेंदबाजी करना चाहेंगे वो ललकारते हैं बल्लेबाजों को उनके विरोध. यहां पर गेंद बॉटम पर जाकर लगी थी, बॉटम पर जाकर लगी. ये चीज अच्छी रही क्योंकि न फील्डर तक पहुंच पाई न बाउंड्री रो के बाहर. डीप मिड विकेट के ऊपर से वो शॉट को खेला, बहुत ही शानदार संपर्क वहां पर बल्ले और गेंद का. थोड़ा सा बॉटम पर जाकर जरूर लगा था वो गेंद. अगली गेंद, ये तेज गेंद है, ये तेज गेंद है, सरप्राइजिंग एलिमेंट है. इस प्रकार की अगर आप गति से गेंदबाजी करेंगे तो बिल्कुल वहां पर आप बीट कर सकते हैं बल्लेबाजों को एट दी कंटिन्यूस इंटरवल्स. बट बता दें हमारे साथ इसी तरह से दर्शकों की 50 रन यहां पर वीर तेजा क्लब भीलवाड़ा के पूरे हो चुके हैं. तो चाहेंगे जरा जोरदार तालियां होनी चाहिए इनकी टीम की तरफ से. पुट योर हैंड्स टुगेदर, यहां पर चौथा युवा चल रहा है, 50 रन आपकी टीम ने लगा दिए ऑन द बोर्ड. ओ अच्छा शॉट, पेस बहुत ही अच्छा था, उस पेस के विरुद्ध वहां पर तेज शॉट खेलने की कोशिश की. अच्छी फील्डिंग एफर्ट. चार ओवर की समाप्ति एंड दिस इज अ हाफ सेंचुरी फ्रॉम वीर तेजा क्रिकेट क्लब. 51 विदाउट एनी लॉस, काफी अच्छे गति में खेल रहे हैं वीर तेजा क्रिकेट क्लब. एंड महावीर जटर मिस्टर जॉन्टी के बीच रहा एक अच्छा सा पार्टनरशिप एंड जॉन्टी हैज इटसेल्फ मेड अबाउट 39 रन्स. 15 गेंदों में
39 runs with 4 boundaries and 3 sixes. अभी देखते हैं पांचवा ओवर कैसा रहने वाला है फॉर वीर तेजा क्रिकेट क्लब भिलवाड़ा. और चलिए ड्रिंक्स ब्रिक से पहला इंपॉर्टेंट अंतिम ओवर और देखते हैं कि समय जो निर्धारित होता है उसके अनुरूप यहां पर गेंदबाजी करना बेहद जरूरी. ओ धीमी गति, ये बहुत अच्छा मिश्रण. बहुत पहले यहाँ पर बल्ले को अपना थोड़ा सा फेंक दिया था, थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा बड़ा शॉट खेलने की पहले ही शायद मंशा वहाँ पर बना ली थी. अमित वहाँ पर आए गेंदबाज अटैक पर. जॉन्टी ने पूरी तरह से यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से बल्लेबाजी को संभाला है. वो जो फ्लॉलेस बैटिंग इनकी नज़र आती है और उनके साथी बल्लेबाज भी चाहते हैं कि चलिए खेलते चले जाएं. जब एक बहुत अच्छी साझेदारी बन रही है, अगर उनके बल्ले पर भी गेंद अच्छी तरह से कनेक्ट होने लग जाए तो ये दोहरी यहाँ पर खुशी हो जाएगी टीम के लिए. ये अच्छी गेंद, तेज गेंद बिल्कुल ऊपर की तरफ. बहुत ही अच्छी हाइटेड बॉलर्स हैं. जो आप एवरेज हाइट की बात करते हैं, जिस प्रकार संकल्प कोचिंग क्लासेस में नजर आई थी, बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर हरियाणा चौधरी क्लब कर रहा है बहुत ही शानदार हाइटेड गेंदबाजों का उपयोग. पर थोड़ा सा मिश्रण करना बेहद जरूरी होगा किसी भी गेंदबाज के लिए कि आप कैसे यहाँ पर तेज गेंद के साथ साथ मिश्रण करते हैं. और जो लेंथ है आपकी वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली होगी. अक्सर हमने देखा है जॉन्टी को शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद पर बड़े बड़े शॉट्स खेलते हुए. क्या वो सीधे बल्ले के साथ भी उतने बड़े शॉट्स खेल सकते हैं? उसे आप ट्राई कर सकते हैं. ये देखिए, अगर इस प्रकार की गेंद उनकी लगातार पाले में होगी तो निकल जाएगी. स्टेप आउट करके शॉट खेला. लेंथ जो था ये पढ़ने वाला था. Read and deliver. Read the lines. कितनी जल्दी इन्होंने लाइन को समझ लिया, कितनी जल्दी इन्होंने लेंथ को समझ लिया. बहुत ही काबिले तारीफ शॉट वहां पर नजर आया. स्टेप आउट कर गए. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑफ टुडेज गेम. अगली गेंद एक बार फिर से यहां पर मिड ऑफ की दिशा में. क्या दो की मांग करना चाहेंगे? पहला बहुत तेजी के साथ दौड़ा है, बट सिंगल के साथ यहां पर संतुष्ट. और 60 रन की अद्वितीय साझेदारी शुरुआती ओवर्स में. बहुत अच्छी पार्टनरशिप. और वीर तेजा क्लब भीलवाड़ा, उन्होंने कहा था कैप्टन ने कि हमारी टीम बहुत ही यंग टीम है, बहुत ही अच्छी टीम है, काफी हम बैलेंस टीम हमारे लिए लेकर आए हैं. 5 ओवर की समाप्ति हो जाएगी, यानी कि ड्रिंक्स ब्रेक का अब समय हो जाएगा. 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 61 रन बिना किसी नुकसान. तो 5 ओवर हो चले हैं समाप्त. 5 ओवर की समाप्ति लेते हैं छोटा सा ब्रेक जिसके कहते हैं ड्रिंक्स ब्रेक. समय बता दे 5 ओवर में कितने लिए हैं यहां पर गेंदबाजी टीम ने अभी तक. जानना चाहेंगे हमारे टीवी ऑफिशियल, हमारे थर्ड एम्पायर शुक जी से कि 5 ओवर में किस प्रकार का समय यहां पर अभी तक लेकर आई है
चौधरी क्लब हरियाणा, ये देख लीजिए आप 47 पर बल्लेबाजी करते हुए जॉन्टी महावीर जाट जो आपको 11 गेंदों में अभी तक 10 पर बल्लेबाजी करें, बड़ी अच्छा साथ उन्होंने निभाया। और चलिए अभी तक सही निर्धारित समय में की गेंदबाजी, बट समय है कि यूं ही समय के अनुरूप आपको करना होगा आने वाले 5 ओवर में भी काम। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। डीजे कैन वी हैव सम म्यूजिक प्लीज। तो 5 ओवर की समाप्ति हो चली, यहां पर 61 पर पहुंचा यहां पर टीम का स्कोर। अब देखते हैं कि आने वाले 5 ओवर का खेल किस प्रकार से यहां पर हमारे सभी दर्शकों के बीच में नजर आएगा। महावीर भी कोशिश कर रहे हैं कि जहां पर अब अगले 5 ओवर में ये गियर में बदलाव करें। और चलिए अब अगले 5 ओवर के लिए हमारे साथ कॉम बॉक्स में जुड़ चुके हैं रिजवान चांद जी, आपका स्वागत है। और 5 ओवर में यहां पर 61 लगा चुके बिना किसी नुकसान। तो वीर तेजा क्लब भीलवाड़ा अभी तक मैं कहना चाहूंगा 100% वहां पर खड़ा उतरा है पहले बैटिंग लेने के बाद। बिल्कुल धन्यवाद अर्चित, सबसे पहले स्वागत अभिनंदन चौधरी क्रिकेट का 2023 एक नए दिन की शुरुआत, नए मुकाबले के साथ, नई उम्मीदों के साथ दोनों टीमें वहां, और हमारा आगमन हुआ और बल्लेबाज की विदाई हुई वहां से। पहली गेंद पर सफलता दिलाई है यहां टीम को प्रदीप ने। बल्लेबाज जोंटी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, 47 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे, कहीं ना कहीं मात्र 19 गेंदों का सामना किया। वीर तेजा क्लब भीलवाड़ा इस मुकाबले में, वहीं दूसरी ओर हरियाणा चौधरी क्लब। तो कितनी खूबसूरती इस प्रतियोगिता की, एक तरफ भीलवाड़ा, दूसरी तरफ हरियाणा, एक तरफ राजस्थान, दूसरी तरफ हरियाणा, तो कहीं ना कहीं नेशनल स्तरीय प्रतियोगिता नजर आती हुई यहां से। और हो भी क्यों ना, जब संपूर्ण भारतीय टेनिस के खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में खेलते हुए नजर आ रहे हैं आपको, प्रतिदिन बड़े मुकाबले यहां आयोजित होते हैं। अच्छी शुरुआत मिली है, शुरुआत को कहां तक लेकर जा सकते हैं, कहां तक लेकर जाना चाहेंगे वो बड़ी बात। यहां से नए बल्लेबाज नंबर 3 पर मनोज जाट आए हैं बल्लेबाजी के लिए, और इस मुकाबले के ऑफिशियल अंपायर नैनाराम जी टाटा स्काई और अनुप्रिया जी बिल्कुल तैयार। कॉम बॉक्स में मेरे साथ तैयार प्रोमिता जी और हर्षित सर। एक बार पुनः यह गेंद, अच्छी गेंद, गति के साथ पीट किया है। निश्चित तौर पर पहली गेंद कभी भी आसान रहती नहीं है किसी भी बल्लेबाज के लिए, और जब इस प्रकार से चैलेंजिंग गेंद हो तो फिर कहने ही क्या। गति है गेंदबाज प्रदीप के पास, यहां से इन्होंने दिखाया है। एक बार पुनः यह गेंद, इस बार कदमों का इस्तेमाल किया है, वहां संपर्क अच्छा हुआ नहीं, एक ही रन मिलेगा।
और जैसे ही विकेट गिरा है आप देख सकते हैं रन रेट में भी खासा फर्क पैदा हुआ है यहां से। इतने समय तक फिफ्थ गियर में बल्लेबाजी कर रहे थे, अब यहां से ऐसा लगा है जैसे कोई स्पीड ब्रेकर का सामना करते हुए। बार पुनः ये गेंद, इस बार भी कदमों का इस्तेमाल किया, इस बार बेहतर संपर्क है, इस बार गेंद सीमा रेखा से बाहर चली जाएगी। इसी प्रकार की बल्लेबाजी की उम्मीद वहां से नंबर तीन के बल्लेबाज के लिए, क्योंकि जिस प्रकार का प्लेटफॉर्म यहां सेट करके दिया है वो काबिल तारीफ है। आपको ज्यादा खुद सोचने की आवश्यकता है नहीं, यहां से आक्रामक बल्लेबाजी करनी होगी और इसी काम को अंजाम देते हुए यहां से बल्लेबाज एक बार पुनः कदमों का इस्तेमाल किया था। इस बार गति परिवर्तन गेंदबाज के द्वारा, दूसरे के लिए पलटे हैं वहां, दूसरा रन भी दौड़ के पूरा कर लिया, तीसरे का प्रयत्न करना चाहते थे वहां पर मनोज, पर कहीं ना कहीं मना किया महावीर ने। छह ओवर की समाप्ति एंड स्कोर्स 69-41 एंड अभी भी बाकी है और चार ओवर्स और इतना बड़ा स्कोर ऑलमोस्ट हो गया है फॉर वीर तेजा क्रिकेट क्लब। मैं बात करूं तो मिस्टर जॉन्टी के बारे में तो 62 रन्स वो करके गए हैं और बहुत अच्छा स्टार्ट दिया है उन्होंने अपने टीम के लिए। गेंदबाजी में कुछ लैक्यूना नजर आ रहा है क्या रिजवान सर, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बल्लेबाजी एकदम तगड़ा रहा है एंड मैं हर्षित से भी बात कर रही थी, अब तक के पावर प्ले में जितने सारे मैचेस हमने देखा है पावर प्ले के अंदर ही 45 रन्स बना दिया था वीर तेजा क्रिकेट क्लब भिलवाड़ा, क्या कहना चाहेंगे ऑफ द बॉलिंग साइड ऑफ द हरियाणा क्लब? बिल्कुल बल्लेबाजी बेहतर हुई है, गेंदबाजी खराब कहने से अच्छा होगा यहाँ से बल्लेबाजी बेहतर हुई है जोंटी की तरफ से, उन्होंने बेहतर एफर्ट्स लगाए हैं। अब बड़ी बात यह है कि जिस बल्लेबाज ने बेहतर बल्लेबाजी की वो पवेलियन जा चुके हैं, अब यहाँ से बाकी के बल्लेबाज किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं। अपन बात करें शुरुआती पांच ओवर में 62 रन लगा दिए थे, यहाँ से 125 तक पहुंचते हैं तो फिर कहीं ना कहीं अच्छी बल्लेबाजी कही जाएगी, अगर उससे कम रहते हैं तो फिर अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी, क्योंकि शुरुआती ओवर में मोमेंटम में मिला है जोंटी ने बड़ी तेज गति के साथ 47 रन 47 रन लगाए थे वहां से। अब गेंदबाजी किस प्रकार की रहती है क्योंकि जोंटी आउट हो चुके हैं, अब चैलेंजिंग रहेगा यहां गेंदबाजों के लिए। खराब गेंद दिशाहीन भी गेंद, और बिल्कुल तीसरे अंपायर की तरफ भी गए हैं वहां पर चेक करना चाहेंगे कि नो बॉल है क्या, कमर से ऊंचाई पर थी ये गेंद। स्क्वायर लेग अंपायर नैना रामजी टाटा स्काई तुरंत प्रभाव से वहां की टोकी का यूज करते हुए, ये भी बेहतरीन टेक्नोलॉजी, नो बॉल का इशारा, नो बॉल का इशारा था वह यहां पर। एक बार पुनः ये गेंद, इस बार भी खराब गेंद, ललचाया है बल्लेबाज को। खराब गेंदबाजी कही जाएगी, लेग ब्रेक गेंदबाजी वहां पर, ललचाते हुए बल्लेबाज को पूरा फायदा उठाया, जो मौका मिला दोनों हाथों से लपका यहां पर बल्लेबाज ने, क्योंकि दोनों ही फुल टॉस गेंदें थी वहां पर। और मनोज जट की बात करें तो चार गेंदों में 13 रन उन्होंने दिया है, 2 sixes आउट देयर, स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा है। लग रहा था जब अभी जॉन्टी जी वापस गए कैसे क्या होने वाला है पार्टनरशिप और कैसे रन्स बनेंगे, बट जिस तरह से मनोज जट एंड महावीर जट द पार्टनरशिप इज गोइंग ऑन, अच्छा लग रहा है कि उनका एक अच्छा स्कोर बन सकता है फॉर द वीरा तेज क्रिकेट क्लब भिलवाड़ा। इस बार बेहतर गेंद कही जाएगी निश्चित तौर पर, पिछली बार दो गेंदे दोनों फुल टॉस गेंदे थी, इस बार थोड़ा सा अपनी और खींचा है लेंथ को, और ये अच्छी गेंद, इस प्रकार की गेंद बिल्कुल ललचाती है बल्लेबाज को। एक और अच्छी गेंद, एक और बेहतर गेंद, अब बिल्कुल टिप्पी के साथ गेंदबाजी करते हुए। पहली दो गेंदें किसी भी स्पिनर के लिए आसान रहता नहीं है, और वो भी उस समय जब प्रेशर में गेंदबाजी करने के लिए आए। इस बार भी फुल टॉस गेंद, इस बार भी खराब गेंद, ये गेंद भी सीमा रेखा से बाहर चली जाएगी।
जी हाँ बिल्कुल, कुछ बहुत ही आकर्षक शॉट्स यहाँ पर, एक और बहुत ही आकर्षक शॉट वहां पर था, अट्रैक्टिव लगता है, अटेंटिव लगता है। इस ओवर में पूरी तरह से एक बार फिर से बदलाव कर दिया है, लग रहा था कि क्या यहाँ पर जो है इस ओवर से पहले एक बार फिर से वापसी की हरियाणा चौधरी क्लब ने, बट मनोज ने जिस प्रकार से बल्लेबाजी अभी तक किए, महावीर वहां पर मौजूद हैं और मनोज जाट दर्शा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर आपको पारी को बनाना होता है। ये अच्छी गेंद, जब जब लेग ब्रेक बॉलर, जब जब रिस्ट स्पिनर बॉलर अच्छे टप्पे पर डालते हैं, जब जब गेंद उनका बहुत अच्छा छूटता है, पर द कंट्रोल इज व्हाट नीडेड टू दिस काइंड ऑफ अ बॉलर। ये देखिए एक बार फिर से टप्पा पड़ा, और जब जब टप्पा पड़ेगा गेंदबाज का, लेग ब्रेक बॉलर का, तब तब बहुत मुश्किलात यहाँ पर बल्लेबाज के लिए हो सकती है। बल्लेबाज अक्सर थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है कि कहाँ पर शॉट खेलने जाएं, बट ये ओवर भी हो जाएगा समाप्त। इस ओवर में थोड़ी सी खराब गेंदों के चलते अतिरिक्त रन यहाँ पर हमें देखने को मिले हैं। 7 ओवर की समाप्ति, 88 पर पहुंचता हुआ टीम का स्कोर, जी हाँ 86 पर पहुंचता हुआ यहाँ पर टीम का स्कोर, 7 ओवर हो चले हैं समाप्त। आने वाले 3 ओवर का खेल अभी विशेष बचता है, क्या प्रमिता यहाँ पर आपको 120 रन कम से कम नजर आ रहे हैं? डेफिनेटली आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अच्छा सा टारगेट सेट कर लेंगे वीर तेजा क्रिकेट क्लब अगेंस्ट हरियाणा चौधरी क्लब, और अभी तक सिर्फ एक विकेट का लॉस हुआ है और ये 7वां ओवर कंप्लीट हो गया है, 3 ओवर्स और बाकी है, और महावीर जाट और मनोज जाट के बीच रहा है बेहतरीन पार्टनरशिप, पूरे 34 रन्स का पार्टनरशिप रह चुका है उनके बीच। यहाँ से 130 तक पहुंचना चाहिए, वहां पहुंच सकते हैं क्योंकि विकेट हाथ में है, अभी भी 9 बल्लेबाज बिल्कुल सुरक्षित हैं वहां। तो अंतिम 3 ओवर में जिस प्रकार से बल्लेबाजी करें, शुरुआती ओवर्स में बेहतर बल्लेबाजी की है, तो अंतिम ओवर में यहां विकेट आपके हाथ में है, आइडियल सिचुएशन आपके लिए। इस बार अच्छी लेंथ के साथ वहां पर गेंदबाज, बाएं हाथ के गेंदबाज आए हैं, पहली गेंद बिल्कुल सटीक लाइन और लेंथ भी अच्छी थी, अंतिम ओवर्स में ये लेंथ बड़ी इफेक्टिव रहती है, कभी भी आसान रहता नहीं है बल्लेबाज के लिए इस प्रकार की गेंदों को सीमा रेखा से बाहर पहुंचाना जब तक आप कुछ क्रिएटिविटी नहीं लेकर आते। हरियाणा चौधरी क्लब लंबी दूरी तय कर यहां खेलने के लिए आए हैं। एक और अच्छी गेंद, लेंथ इस बार भी अच्छी थी, लाइन खराब थी कहीं ना कहीं, और अच्छी गेंदबाजी के लिए आपको लाइन और लेंथ दोनों बेहतर होनी चाहिए यहां से। और ये एक अच्छे स्विफ्ट लेफ्ट आर्म बॉलर नजर आते हुए रिजवान चांजी, बहुत ही स्मूथ रनअप है, ये अगर लगातार क्रिकेट खेलें तो निश्चित तौर पर एक बहुत ही अच्छे अव्वल दर्जे के मुझे लेफ्ट आर्म गेंदबाज नजर आए। एक बार फिर से इनके फॉलो थ्रू को देखिएगा, इनके रनअप को देखिएगा, बहुत ही स्मूथ है, अच्छी हाइट है, ये बहुत ही स्मूथ रनअप नजर आता है, एक अच्छा एक्शन है, और ये शॉट बहुत अच्छा था इसलिए बिल्कुल आपको 4 मिलेंगे क्योंकि उन्हें पता था कि कवर पर कोई फील्डर नहीं है। बिल्कुल हर्षित बात कर रहे थे, बेहतरीन नजर आ रहे हैं यहाँ से गेंदबाज, चाहे बोलिंग नप की बात कर लें, चाहे कदकाठी की बात कर लें, चाहे लेंथ की बात कर लें, थोड़ा सा लाइन है वो आउटसाइड द ऑप्शन होता तो बेहतर होता। इस बार पुनः ये गेंद सीमा रेखा से बाहर, and almost about reaching a century Veer Teja Cricket Club, sirf 2 runs piche from the massive century and projected score abhi 130 dikhai de raha hai and current run rate which is good 13.07। aur bilkul Chaudhary Cricket Club ke sainikon se thoda sa nivedan, maidan ke charon or tainat ho aap, aapki ati aavashyakta yahan se, जितने भी चौधरी क्रिकेट क्लब के सैनिक हैं अपना अपना मोर्चा संभाल के रखे वहां। इसे बीच अच्छी गेंद, और ये देखिए बिल्कुल लाइन बार बार अच्छी लाइन लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे हैं, अगर लाइन अच्छी है तो फिर वो डॉट गेंद है, बल्लेबाज को परेशानियां होती हैं, और मात्र 5 मिनट 40 सेकंड का समय यहां से शेष रहा है अब अपने निर्धारित ओवर में गेंदबाजी करने के लिए। थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं अंतिम ओवर में, एक क्षेत्ररक्षक अंदर लेकर आना पड़ सकता है आपको, थोड़ा सा ध्यान दे उस ओर भी, निर्धारित 40 मिनट का समय मिलता है आपको,
38 मिनट्स गेंदबाजी के लिए दो ओवर का ड्रिंक्स ब्रेक रहता है। थोड़ा सा रन गति ओवर रेट को यहां पर बढ़ाना होगा, अन्यथा आपको अंतिम ओवर में क्षेत्ररक्षक अंदर लेकर आना पड़ सकता है। और पहले से ही रनों का अंबार है वहां, रनों का पहाड़ है वहां, और किसी भी गेंदबाज के लिए अंतिम एट ओवर में आसान रहता नहीं है। चार गेंदबाज, चार क्षेत्ररक्षकों के साथ गेंदबाजी करना, आवाज आई है, आवाज अच्छी आवाज है ये गेंदबाज के लिए, सफलता मिलती हुई यहां से महावीर जाट के रूप में। बिल्कुल आज पुनः लौट कर आए हैं हमारे एक और साथी वीनू नागौर भी, चौधरी क्रिकेट क्लब के, ये भी एक मजबूत सिपाही है। और क्या खूबसूरती है इस मैनेजमेंट कमेटी की, प्रतिदिन सभी सदस्य तैयार हैं, मुकाबले से पहले आते हैं, सबसे बाद जाते हैं और हर व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहते हैं। यहां 8 के बाद स्कोर है 99 रन दो विकेट के नुकसान पर। और हमारे साथ हमारी को एंकर, को कमेंटेटर, क्रिकेट एक्सपर्ट प्रोमिता जी भी बिल्कुल बनी हुई है। अंतिम दो ओवर में आपकी प्रतिक्रिया भी जानना चाहेंगे, क्या लगता है? जैसे आपको मैंने बताया था सर पहले कि बहुत अच्छा स्टार्ट दिया है उन्होंने, एंड अगर देखें कि आज के दिन के लिए जब भी कोई भी टीम पहले निर्णय लेता है टॉस जीतकर बैट करने के लिए पहले, तो उनका स्कोर प्रोजेक्टेड भी बहुत अच्छा रहता है, और जो कि अभी हम भीर तेजा क्रिकेट क्लब का देख सकते हैं। And that's one more boundary, and with that the scores are 103-42. Kamal ka innings khela hai unhone, and Manoj Jat itself 32 runs up. And with that, one more wicket down, but undoubtedly बहुत ही अच्छा पारी खेला मनोज जाट ने, 15 गेंदों में 32 runs, 3 boundaries, 3 sixes, and काफी अच्छा स्कोर अभी तक बन गया है, और दो ओवर्स बाकी है, देखते हैं कैसा रहने वाला है ये गेम। अभी आए हैं महेंद्र जाट खेले के लिए, एंड पार्टनरशिप अभी होगा महेंद्र जाट और बंजी बना के बीच, देखते हैं कैसा रहता है ये पार्टनरशिप। अब बिल्कुल दिलचस्प रहेगा अंतिम कुछ गेंदे, और तारीफ करनी होगी जो जो गेंद पिच हुई है। और बिल्कुल महेंद्र आए और महेंद्र चले भी गए, ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं पिच का निरीक्षण करने आए हो। बिल्कुल अंतिम ओवर से ज्यादा मौका रहता नहीं है, प्रत्येक बल्लेबाज की यही सोच रहती है। पर बात कर रहे थे गेंदबाज की, यहाँ से जो जो गेंद पिच हुई है वो कमाल की गेंद हुई है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर कंट्रोल बेहतर हो इनका, अगर थोड़ा सा कंट्रोल पर कार्य करे तो बहुत बेहतर स्पिनर हो सकते हैं, क्योंकि जो भी रन आए हैं वो फुलटोस गेंद पर आए हैं। ये देखिए एक और क्लीन बॉल, यो मिस आई हिट, बहुत कम देखने को पड़ता है। और चलिए एक और बार इतिहास के पन्नों को सुनहरा करते हुए हम सभी नजर आएंगे, पिछली 3 गेंदों में एक और गेंदबाज बनते हुए ये जिन्होंने 3 सफलताएं प्राप्त की है, हैट्रिक दूसरी आठवीं चौधरी क्रिकेट कप में, क्या कमाल की गेंदबाजी यहां पर करते हुए नजर आए। विक्रम का यह है वीरता भरा प्रदर्शन, जिस अंदाज में उन्होंने अपनी टीम के लिए प्रदर्शन दर्शाया पिछली 3 गेंदे,
खासकर पिछले दो बोल्ड वहां पर देते हुए नजर आए, बहुत ही एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस यहां पर जाता हुआ नजर आया और बहुत ही कमाल धमाल जबरदस्त जिंदाबाद। तीन विकेट चटकने वाले एक और लगातार गेंदबाज बने हैं, हैट्रिक इन्होंने बना ली है, हैट्रिक पर शुभकामनाएं। और जो लग रहा था कि स्कोर बहुत बड़ा जा रहा है उसे कहीं ना कहीं इन्होंने कम किया है, 103/5 अंतिम ओवर अब आएगा। और बिल्कुल अंतिम ओवर में क्या कमाल की गेंदबाजी वहां पर थी। दौर में अमून आप देखते हैं तेज गति के गेंदबाज इस लेंथ पर गेंदबाजी करते हैं, पर तारीफ करनी होगी यहां गेंदबाज की पूरी तरीके से, विक्रम जितनी तारीफ करे कम है। और बिल्कुल एक खिलाड़ी है वो अंदर आ चुका है, यहां से नियमित समय है वो पूरा हो चुका है और ये खूबसूरती इस आयोजन की, डिसिप्लिन मस्त है यहां से। इस बार खेला इस गेंद को, क्या पहुंच पाएगा कोई क्षेत्र रक्षक वहां, नो मैन्स लेन में गिरी, देख रन दौड़ चुके हैं, दूसरे का परिवर्तन कमाल का थ्रो होता तो एक और बल्लेबाज बाहर जा सकते थे वहां से। अंतिम ओवर है और काफी ज्यादा ही अच्छा खेल रहे हैं वीर तेजा क्रिकेट क्लब, स्कोर 104/5। पांच गेंदे बाकी है अभी। इस बार पुनः खेला है, संपर्क अच्छा है नहीं, क्षेत्र रक्षक मौजूद, गलती करेंगे नहीं, एक और सफलता। एंड व्हाट अ गुड कैच, व्हाट अ ब्यूटीफुल कैच, एंड काफी अच्छा गेंद था ये अगर हम एनालाइज करें तो, एकदम बहुत ही स्किलफुली उन्होंने फेंका था एंड इट वॉजेंट दैट एन इजी कैच। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, हाउ वॉज अ कैच एंड क्या ये जो रन्स बन रहे थे बन सकते थे, ये बाउंड्री हो सकता था बट कैच हो गया, क्या कहना चाहेंगे सर? अब बिल्कुल ये गेम है वो बिल्कुल पूरी तरीके से प्रेशर का है, पिछले दो ओवर में प्रेशर है वो क्रिएट किया है गेंदबाजों ने, जो स्पेशली जो पिछला ओवर था वो हैट्रिक था, उसके बाद से आप देखेंगे ये गेंद फुल टॉस गेंद थी, खराब गेंद थी, कहीं ना कहीं थोड़ा सा बल्लेबाज पर दबाव था इसीलिए अच्छा संपर्क हुआ नहीं बा, और पिछले दौर में मोमेंटम अपनी ओर लेकर जा रहे हैं यहां से हरियाणा चौधरी क्लब की बात कर लें, पिछले ओवर में भी जहां एक हैट्रिक लगी थी इस ओवर में भी अभी तक मात्र दो रन आए हैं, तो ये खेल मोमेंटम का कहीं ना कहीं अंतिम ओवर में मोमेंटम अपनी ओर लेकर जाते हुए यहां से अजय वीर गेंदबाज, क्योंकि आठ ओवर के बाद संभवतः स्कोर वहां से 99 रन था, उसके बाद से फिर अंतिम दो ओवर में अभी तक रन आए नहीं है। इस बार पुनः खेला है, वहां कदमों का इस्तेमाल, अच्छा संपर्क है नहीं, एक रन मिल जाएगा क्या, दूसरे का प्रयत्न नहीं किया जाएगा वहां से, कमाल की गेंदबाजी अब जाकर की जा रही है वहां पर हरियाणा चौधरी, अगर यही गेंदबाजी शुरुआती ओवर में होते तो बेहतर रिजल्ट होते यहां से, पर शुरुआती ओवर्स में कमाल की बल्लेबाजी वहां पर जोंटी के द्वारा। डेफिनेटली सर, जैसे आपने कहा इनिशियल ओवर्स में अगर हमें देखने को मिलता तो काफी ज्यादा चेंजेस आते, बट इन अंतिम ओवर्स में काफी अच्छा गेंदबाजी किया है हरियाणा क्लब ने। इस बार तीन रन दौड़ के पूरे किए, वहां दो ही रन बनते थे पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा गेंदबाज तीन रन तोड़ लिए, और अपन बात कर रहे थे संभवतः पहले तीन रन होंगे इस प्रतियोगिता के, अपने जहन में जहां तक तीन रन तोड़ चुके हैं वहां से बल्लेबाज, क्या बात है जी। आप बिल्कुल, मुझे यहां से याद आता है कि पहले तीन रन दौड़ते हुए नजर आए दोनों बल्लेबाज इस चौधरी क्रिकेट क्लब के, और बहुत मुश्किल होता है तीन रन दौड़ लेना, खासकर जब बहुत बड़ी बाउंड्रीज नहीं होती है, जब आप अक्सर हवाई यात्रा पर गेंद को भेजते हैं और जब अंतिम ओवर चल रहे होते हैं, यहाँ पर जरूर एक बल्लेबाज को वापस जाना पड़ सकता है, रनआउट का मौका था वहाँ पर और पूरी तरह से उसकी कैपिटलाइज करते हुए दिखाई दिए, बट जो स्कोर है यहाँ पर आप सभी के समक्ष एक बार फिर से नजर आएगा, यहाँ पर फिर से दो रनों के लिए दिखना चाहते थे, बड़ी तेजी के साथ रन दौड़ना चाहते थे, एक आसान सा थ्रो गेंदबाज के हाथ में, जो ओवरऑल स्कोर अब आपको नजर आ रहा है 110 रन 111 का क्या लक्ष्य नेल्सन का, जो आंकड़ा जिसे आप कहते हैं अभी तक बिल्कुल अच्छा, 111 का टारगेट है अभी हरियाणा क्लब के आगे,
111 is a very lucky number. क्या कहना चाहेंगे? 111 is a very very universal lucky number. क्या ये आज टक्कर का जो गेम हुआ था काफी ज्यादा अच्छा स्कोर किया है वीर तेजा क्लब, बट मुझे जैसे लग रहा था पहले ही वो आए, पहले ओवर्स में जैसे बैटिंग हो रहा था काफी अच्छा, पांच ओवर तक बहुत अच्छा स्कोर बन गया था, बट इन द एंड आई थिंक हरियाणा चौधरी क्लब दे बाउंस्ड बैक रियली वेल विद देयर बोलिंग स्किल्स एंड रिस्ट्रिक्टेड वेरी गुड रन आउट देयर फ्रॉम द ओपोनेंट टीम, जिसके बदौलत सिर्फ वो 111 कर चुके, बट प्रोजेक्टेड स्कोर हमें 126 से 130 लग रहा था. क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, 111 का अब लक्ष्य यहाँ पर है और देखते हैं कि इस प्रकार से बल्लेबाजी करने उतरेंगे. अच्छी बल्लेबाजी अंत में आकर मनोज ने की 111. जरूर आप भारतीय संस्कृति में से लकी नंबर कहते हैं, पर जब हम बात करते हैं पूरे विश्व की तो नेल्सन का आंकड़ा कहा जाता है 111 को, और नेल्सन इज अनलकी नंबर. तो देखते हैं कौन सी टीम के लिए अनलकी साबित हो पाएगा, कौन सी टीम के लिए लकी हो पाएगा. इस इट ऑल अबाउट द सुपरस्टिशंस, बट जो भी हो जो टीम अच्छा खेलेगी इस मुकाबले को जीतेगी. मिलते हैं आप सभी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद. होंगे क्या हरियाणा चौधरी क्लब यहां पर बिल्कुल हार नहीं मानते हुए यही चाहेगा कि इस मुकाबले में जो 111 रन है पहला मुकाबला जीत के साथ यहां पर आगाज किया जाए. ग्रुप जो आपको चार ग्रुप में भर्ती हुई टीम नजर आती है, हरियाणा चौधरी क्लब बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हैं, और वहीं वीर तेजा क्लब भीलवाड़ा ने भी पहले बल्लेबाजी करता हुआ अच्छा स्कोर लगा दिए. हमने टॉस के दौरान यही कहा था कि 110 रन बनने चाहिए, और जिस तरह से श्री विनायक किया गया आज के दिन का वो बहुत ही कमाल का रहा है, और बहुत ही एफर्टलेस यहां पर परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं हर एक खिलाड़ी. ले चलते हैं प्रमेदा, कैप्टन ने कहा था 110 बनाना चाहते हैं, क्या आपको लगा था कि इतना सटीक बताएंगे 110 ही पूरे बनाए उन्होंने? जरूर एग्जैक्टली पता नहीं उन्होंने भविष्य शायद देख लिया था या पूरा ये पिच उन्होंने पहले से स्टडी कर लेते, बट मैं सोच रही थी 110 से काफ़ी ज़्यादा रन्स बन सकते थे क्योंकि इनिशियल ओवर्स उन्होंने बहुत अच्छा खेला, उनका बहुत अच्छा पार्टनरशिप्स रहा, इनके बैटर्स ने काफ़ी कमाल का परफॉर्मेंस दिया. अभी देखते हैं अभी इनिशियल क्रूशल ओवर्स कैसे हरियाणा चौधरी क्लब खेलता है. जी हाँ, वीर तेजा क्लब अब बॉलिंग अटैक पर आएगा, और वीर तेजा क्लब भीलवाड़ा के बारे में बहुत सारी वार्तालाप हम करेंगे रिजवान चांद जी के साथ, क्या वो बताएंगे हर एक खिलाड़ी के बारे में. बट अभी हरियाणा चौधरी क्लब राजस्थान की धरा पर आए, हालांकि राजस्थान हरियाणा बड़ा क्लोज रहा है शुरू से ही, वो बॉर्डर से लेकर जिस तरह से लगातार संस्कृति फूड जैसे वहां पर आपको नजर आता है कि हरियाणा में दही छाछ, वहीं यहाँ पर अगर आप राजस्थान में बात करें दही छाछ मक्खन
घी, देसी घी वो बड़ा पसंद किया जाता है। और अब देखते हैं कि कौन सी वो ताकत को उजागर कर पाएंगे, क्या हरियाणा यहाँ क्रिकेट में भी सौदागर बन पाएगी इस चौधरी रेड कप का, जानेंगे आप सभी के साथ बड़ी जल्द इस मुकाबले की शुरुआत के दौरान। और शुरू में आपने एक और बात कही थी कि इससे पता लगता है कि कितनी सारे स्टेट से यहाँ पर टीमें आई हैं। आज हमें चौधरी क्रिकेट क्लब यूपी 11 भी खेलते हुए नजर आएंगे, अभी हमें हरियाणा की टीम खेलती हुई नजर आ रही है। साठ गेंदों में 111 रनों की आवश्यकता होगी। आप 60 गेंदों में 111 रनों की आवश्यकता, दूसरी पारी, पहला मुकाबला, समय बड़ा यहां पर ध्यान में रखना होता है। एम्पायर से यही निवेदन कि जल्द से जल्द मुकाबले की दूसरी पारी को शुरू किया जाए और 38 मिनट से 40 मिनट के अंतराल में गेंदबाजी टीम को समाप्त करनी होगी अपने 10 ओवर। ये जो डिसिप्लिन है रिजवान चौहान जी, बहुत मस्ट होता है किसी भी मुकाबले में, और अगर इसी डिसिप्लिन के अनुसार आप चलेंगे तभी आप सही समय पर, निर्धारित समय पर मुकाबलों को समाप्त कर पाएंगे। तो बिल्कुल डिसिप्लिन है वो, और जो भी कार्य डिसिप्लिन मेनर के साथ किए जाते हैं वो हमेशा से बेहतर होते हैं। उसमें दो ही विकल्प होते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए, या तो आप पहले प्रॉपर रणनीति तैयार कर लें, प्रॉपर स्ट्रेटजीज तैयार कर लें, डिसिप्लिन के साथ कार्य कर लें, उसके बाद कहीं ना कहीं वो कार्य हैं वो परफेक्ट कार्य होते हैं, आपको फिर पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता होती नहीं है। अन्यथा कुछ समय बाद आप पश्चाताप करते हैं, रिग्रेट करते हैं उस चीज़ के लिए, फिर आपके पास समय रहता नहीं है। अब यहाँ से कौन सी टीम बेहतर स्ट्रेटजीज के साथ आएंगी, बेहतर डिसिप्लिन के साथ बल्लेबाजी करेंगे, गेंदबाजी करेंगी, वो टीम एडवांटेज में रहेगी। आते ही प्रयास किया है, वहां गेंद को सीमा रेखा से बाहर भेज दिया है बल्लेबाज ने। पहली बॉल में क्या गोल्डन स्टार्ट यहां पर किया है, पहली बॉल जिस तरह से देखा कि स्लॉट का था गेंदबाजी अटैक पर, शायद गेंदबाज ने भी सोचा नहीं था कि पहली गेंद पर प्रहलाद कि इतनी बड़े शॉट की तरफ वहां पर जा सकते हैं खिलाड़ी। बट रोहित यहां पर सुपर हिट आज खिलाड़ी साबित हो सकते हैं अपनी टीम के लिए। और बिल्कुल आप बात कर रहे थे दूध दही छाछ, कहीं ना कहीं वो पावर दिखाया हुआ आपको, जिस प्रकार से पहली गेंद को वहां सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया बल्लेबाज रोहित चाहर ने। और जी आप, ठंड का मौसम आ रहा है रिजवान चांदी, तो बाजरे की रोटी, वो उसके अंदर गुड़, दही छाछ, वहाँ पर जिस तरह से राजस्थान हरियाणा बड़ा पसंद किया जाता है, और इसलिए जो शरीर, वो इम्यूनिटी पावर जो पूरे भारत में आप देखते हैं तो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग यहाँ पर आपको राजस्थानी हरियाणवी वहाँ पर नज़र आता है। और जिस प्रकार से मैं टॉस के दौरान पूछा भी था हरियाणा की टीम कैप्टन से कि आप हरियाणवी भाषा में किस तरह से राजस्थान किया हो यहाँ पर अवगत कराना चाहेंगे, तो जो राम राम भाई उसी प्रकार से उन्होंने शुरुआत किया और यहाँ पर बाउंड्री। और बिल्कुल यही एक कारण है कि जितने भी जो शारीरिक खेल होते हैं, चाहे आप पहलवानी की बात कर लें, चाहे आप कुश्ती की बात कर लें, चाहे आप कबड्डी की बात कर लें, हर खेल में हरियाणा सबसे आगे, हरियाणा हमेशा से आगे रहा है और लग भी रहा है कि हरियाणा आगे ही रहने वाला है, क्योंकि जितने एफर्ट्स वो लगाते हैं, जिस प्रकार का उनका खान पान है। अब ये देखिए, ताकत भी है, नजाकत भी है, और ताकत और नजाकत का जब मिश्रण होता है, जब उनका मिलन होता है, तो कुछ इस प्रकार के नज़ारे देखने को मिलते हैं। नो लुक शॉट यहां पर, जिस तरह से नो लुक शॉट खेला, याद दिला दी कल जिस प्रकार से दिनेश सियाग ने भी चौधरी सुपर किंग से वो शॉट खेलने का प्रयास किया था, हालांकि अंतर बस इतना ही कि यहां पर एक छक्का लगा, वहां पर वो गेंद सीधा विकेट कीपर के पास पहुंचा था। और बिल्कुल मुझे बड़ा दुख रहेगा उस चीज का कि मैं दिनेश की बल्लेबाजी कहीं ना कहीं देख नहीं पाया और मेरे आने से पहले वो इस प्रतियोगिता से बाहर हो गए।
इस बार पुणे खेला है वहां रोहित ने, यहां थोड़ा सा मौका मिल सकता है गेंदबाजी टीम को, क्योंकि जिस प्रकार की उनकी गदकाठी आप इन्हें रनआउट का मौका देख सकते हैं। जेक बहुत ही अच्छा यहां पर शॉर्ट कवर पर गेंद, शॉर्ट खेलने की कोशिश एक बार फिर से की है। 17 पर पहुंच गया यहां पर टीम का स्कोर। पहले ओवर में आतिश की पारी, 9 लोग शॉट्स हमें नजर आए और पहली गेंद पर एक बड़ा छक्का नजर आया। तो हरियाणा चौधरी क्लब ने बता दिया है कि इस चौधरी रेड कप जो राजस्थान की धरा पर हो रहा है उसमें ये टीम भी अनलीश करने के लिए अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस को पूरी तरह से तैयार है। राइट हैंड लेफ्ट हैंड बैटिंग कॉम्बिनेशन, कवर ड्राइव, सीधा फील लगे हाथ में, क्या रन दौड़ा जा सकता था, मना किया इस बार। बिल्कुल वहां रन की चेष्टा दिखाई थी बल्लेबाज रोहित ने, क्योंकि पिछले ओवर में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, अच्छी सोच भी थी कहीं ना कहीं मैं यहां से जितनी गेंदें खेलूं वो बेहतर है, क्योंकि ये समय होता है एक बल्लेबाज के लिए, जितने समय तक वो मोमेंटम में रहते हैं वो जिस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं, चाहे अच्छी गेंद हो या फिर खराब गेंद हो, उसी प्रकार से बल्लेबाजी करते चले जाते हैं। एक बार थोड़ा सा भी अगर मोमेंटम डिस्टर्ब होता है, नॉन स्ट्राइकिंग छोर पर खड़े रह जाते हैं, तो उसके बाद कहीं ना कहीं फिर इतना आसान रहता नहीं है, और इस समय मोमेंटम में है रोहित, और संभव था इसीलिए वो प्रयास कर रहे थे वहां। और आप इस समय देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर दिनेश हमारे कम बॉक्स के आगे से गुजरते हुए कल की रात्रि में खेलते हुए भी नजर आए थे यहाँ, और हम बिल्कुल उनकी बल्लेबाजी के साक्षी बन नहीं पाए वहां। चेप रहे हूं। और चलिए धीरे धीरे एक बार फिर से इस मुकाबले को यहाँ पर हम आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, बट पहले ओवर के बाद एक अच्छा स्कोर यहाँ पर लग चुका है, 17 लग चुके हैं। अब क्या ये पूरी तरह से खतरा यहाँ पर बना रहे हैं वीर तेजा क्लब भीलवाड़ा को, लगातार विकेट चाहिए होगा, एक अच्छे इंटेंट के साथ एक अच्छा लगातार सफर जो है ये बनाना होगा आपको आगे की तरफ। बट रोहित ने जो बल्लेबाजी की है, 5 गेंदों में 17 रन, और बिल्कुल वैसी बल्लेबाजी क्रिकेट वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने भी की है। देखिए अगर हम विराट कोहली की बात करते हैं, केएल राहुल की बात करते हैं, बट जो सबसे फायर स्टार्ट वहाँ पर रोहित शर्मा ने दिलाया अपने अपोनेंट गेंदबाजों को, पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया है उन्होंने। तारीफ करनी होगी बिल्कुल रोहित शर्मा की, जिस प्रकार से उनका ये वर्ल्ड कप रहा है, और यही वर्ल्ड कप नहीं 2019 वर्ल्ड कप की बात कर लें, अभी तक सबसे ज्यादा 100 लगाने का रिकॉर्ड है वो बिल्कुल रोहित शर्मा के नाम। खराब गेंद कही जाएगी, अंपायर जाना चाहेंगे वहां, थर्ड अंपायर की तरफ भी बिल्कुल गए हैं वहां नीनाराम जी। और आज जो अगला मुकाबला यूपी के खिलाड़ी भी नजर आने वाले हैं, अभी शानू अलीगढ़ भी बिल्कुल यहां से गए हैं, वो भी एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, और उनका जो सबसे रोचक जो बात है वो बिल्कुल सिंगल हैंडेडली 6 लगाने में उनको महारत हासिल है, और बहुत सारे गेंदबाजों को चैलेंज करते भी हैं, और हम उम्मीद करेंगे यहाँ भी ऐसा कोई एक मुकाबला देखने को मिल जाए। फ्री हिट का इशारा था वह, नो बॉल का इशारा था वह, यहाँ पर क्या फ्री हिट को सुपर हिट में बदलेंगे यहाँ से बल्लेबाज आमित। जी हाँ, इस बार जरूर गेंद सिर्फ ऊंची गई है, शॉट खेलने का प्रयास अक्रॉस बैटेड पर उतना धीरे गया नहीं, फील्डर वहां पर मौजूद हैं, एक सिंगल मिल जाएगा, फ्रीड का गेंद था, आप रनआउट के अलावा कोई आउट होते नहीं है, और कहीं ना कहीं पूरा फायदा उठाया है फ्रीड का, इससे बेहतर फायदा उठा नहीं सकते आप। जीवन दान मिला वहां पर बल्लेबाज अमित को, अब यहां से रोहित को देखना बड़ा दिलचस्प होगा किस प्रकार से अपनी टीम को आगे लेकर जाते हैं अच्छे बल्लेबाज। ये देखिए वहां पर एक और गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया, और बिल्कुल आप देखेंगे लो फुल टॉस गेंद थी, अंतिम समय तक गेंद को देखा, और अंतिम क्षणों में वहां डीप स्क्वाडले के क्षेत्र में खेल दिया गेंद को सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। इसी प्रकार की बल्लेबाजी की आवश्यकता यहां से, जिस प्रकार की रिक्वायर्ड रन रेट की आवश्यकता थी उसे मेंटेन करके रखा है। जो दोनों ही टीमों के लिए पावर प्ले अच्छा व्यतीत हुआ है, बट अगर यहां विकेट आता है तो यह विकेट बहुत बड़ा होगा, रोहित का यह विकेट होगा, और क्या बेहतरीन कैच, एक्सेप्शनल कार्बन कमाल कैच, और ये विकेट है वो गेंदबाज के खाते में ना लिखकर वहां क्षेत्र रक्षक को देना चाहिए, कमाल का कैच ये देखिए। और अपन बात करते हैं एफर्ट्स की, बात करते हैं क्षेत्ररक्षण की, इस प्रकार का एफर्ट्स है वो फर्क पैदा करता है मुकाबले में, निश्चित तौर पर ये विकेट है अब वो कहीं ना कहीं क्षेत्ररक्षक को डेडिकेट होना चाहिए।
जस्ट आउटस्टैंडिंग और बल्लेबाज को रुकने के लिए कहा है वहां पर एम्पायर ने, शायद वहां पर थर्ड एम्पायर से चेक कर रहे हैं कैच के बारे में। तो जब तक एम्पायर ना कहें आप बाउंड्री को क्रॉस ना करें, यही निवेदन रहेगा। क्योंकि अगर आप एक बाउंड्री को क्रॉस कर देते हैं, एम्पायर एक बार फिर से चेक करते हुए और जो अंतिम निर्णय होगा वो एम्पायर आप सभी के साथ अवगत कराएंगे। थर्ड एम्पायर के साथ वो कैच को चेक किया जा रहा है। ये अच्छी सोच यहां पर नैना राम जी की, क्या कहीं भी वो जो गेंद है वो नीचे तो नहीं लगा। और लाइन बॉल को शायद वहां पर चेक किया जा रहा है या वो ओवर स्टैपिंग तो वहां पर नहीं है, और इसलिए बल्लेबाज से कहा गया कि आप चले 24। बट रोहित का जो बहुत बड़ा विकेट है, वो बहुत ही कमाल का है और बहुत का पर साथ निभाने वाले हैं। एंड हियर कम्स इन मिस्टर जीतू फॉर द पार्टनरशिप बिटवीन जीतू एंड अमित इज गोइंग टू बी क्रूशियल। वन विकेट डाउन फॉर हरियाणा चौधरी क्लब। And that's a six. And aate hi one six out there. Definitely yahi confidence chahiye tha Haryana Chaudhary ko after the loss of one wicket. Ye kafi acha partnership rehne wala hai. And abhi dekh sakte hain dusra over bhi khatam nahi hua hai and 30 ka runs ban chuka hai. पिछले मैच में अगर हम बात करें तो भिलवाड़ा टीम में उन्हें पावरप्ले के अंदर ही 45 रन बना लिए थे और अभी दो ओवर्स की समाप्ति पर स्कोर्स 31-1। लक क्लब भी कुछ पीछे नहीं है, दोनों में आमना सामना का टक्कर है। बोथ द टीम्स आर इन फॉर्म, कुछ भी हो सकता है। क्या कहना चाहेंगे ऑन टू रिजवान सर एंड हर्षित, क्या एनालिसिस होगा इस मैच के लिए? बिल्कुल, ये कुछ भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। यहाँ से जो भी पॉसिबिलिटीज होती हैं वो सब पॉसिबिलिटीज इस खेल में दिखाई देती हैं और इसीलिए द गेम ऑफ पॉसिबिलिटी, द गेम ऑफ अनसर्टेनिटी। शुरुआत अच्छी हुई थी वहाँ अगर बात कर लें वीर तेजा भीलवाड़ा की भी, और यहाँ शुरुआत अच्छी हुई है हरियाणा चौधरी क्लब की भी, पर कहीं ना कहीं अंत में जो अंतिम दो ओवर थे वहाँ थोड़ी सी खराब बल्लेबाजी, अच्छी गेंदबाजी हुई थी। यहाँ अब किस प्रकार से मुकाबला जाता है अभी तक की अगर बात कर लें तो बिल्कुल दोनों टीमें मुकाबले में बड़ी बनी हुई हैं। थोड़ा सा एडवांटेज में यहाँ बात करेंगे तो हरियाणा चौधरी क्लब, क्योंकि शुरुआत अच्छी हुई है, शुरुआती दो ओवर 31 रन एक विकेट के नुकसान पर। तो अगले जो दो से तीन ओवर हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं यहाँ से, कि अगर इसी मोमेंटम के साथ चले जाते हैं, इसी गति के साथ बल्लेबाजी करते चले जाते हैं तो फिर वहां से बहुत परेशानियां हो जाएंगी वीर तेजा भीलवाड़ा के लिए इस मुकाबले में। बहरहाल अब गेंदबाजी में एक बार पुनः अच्छी गेंद अच्छी लेंथ के साथ वहां पर एक रन दौड़ के पूरा कर लिया बल्लेबाज। अमित ने जीतू ने वहां, और अब अमित आ गए हैं स्ट्राइक पर। अमित किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं इस मुकाबले में, इस बार इस गेंद को खेला है वहां बेहतर संपर्क, स्वयं कंट्रोल में नहीं थे पर गेंद को अच्छी तरह कंट्रोल में लिया है वहां। आउटसाइड द ऑफ स्टंप ये गेंद थी, इस गेंद को वहां वाइड इस लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया। 4 रनों के लिए पावर प्ले ऑन है, फील्ड रेस्ट्रिक्शंस का पूरा फायदा उठाया बल्लेबाज ने। अपील पर अंपायर से संतुष्ट थे नहीं, अंपायर उनका मानना था बल्ले से संपर्क के बाद गेंद अब जमीन से संपर्क में होते हुए वहां विकेट कीपर तक पहुंची है और ये बात जानते थे विकेट कीपर और संभवतः गेंदबाज भी। एक बार पुनः वहां प्रिंस की एक गेंद, इस बार पुनः बेहतर संपर्क है, गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई है 4 रनों के लिए।
मीडोफ के क्षेत्र रक्षक ने भरपूर प्रयास किया था, वहां पर मौका बना था वहां से कैचेस, विन द मैचेस। अगर ये मौका बनता तो निश्चित तौर पर दबाव में आती यहां से टीम हरियाणा चौधरी क्लब, पर गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई चार रनों के लिए। बीच अच्छी गेंद, एक बार पुनः ये गेंद, अच्छा मेला ये क्या इस बार खेला इस गेंद को, वहां एक रन मिल जाएगा। तीन के बाद स्कोर 41 एक विकेट के नुकसान पर। तीन ओवर की समाप्ति, स्कोर 41 रन एक विकेट के नुकसान पर। यहां से हरियाणा चौधरी क्लब शुरुआती तीन ओवर्स में तो अच्छी बल्लेबाजी कहीं ना कहीं की है, अब यहां से इस मोमेंटम को कहां तक लेकर जाते हैं कि अब ये कोई ऐसा गेंदबाज आता है जो मोमेंटम ब्रेक करता है। टफ गेम फॉर बोथ द टीम्स आउट देयर। अगर हम बात करें इसके पहले जो टीम थी उन्होंने पावरप्ले के अंदर 45 रन्स किया था, और अभी हरियाणा क्लब भी उसी प्रोसेस को कैरी करते हुए सिमिलर ऑलमोस्ट उसी लेवल पर है। इस बार खेला है वहां एक रन मिल जाएगा। जीतू और अमित अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं वहां नियमित अंतराल में, जहां बाउंड्रीज की आवश्यकता होती है वहां बाउंड्री लगा रहे हैं, स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं, ये अच्छी बात होती है किसी भी बल्लेबाज के लिए। अब यहां से गेंदबाजी के लिए मनोज जाट आए हैं, इस बार अच्छी गेंद वहां तेज गति के साथ, ये गेंद थी रनआउट का खतरा वहां पर, सुरक्षित बल्लेबाज। मनोज जाट इस समय गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए, वहां वहीं बाएं हाथ के बल्लेबाज अमित, वीर तेजा क्लब भीलवाड़ा वर्सेज हरियाणा चौधरी क्लब के मध्य मुकाबला। क्लीन बोर्ड हो गए वहां पर, कदमों का इस्तेमाल किया था। भाग्य का सहारा मिला वहां गेंदबाज को, और इसीलिए इस खेल को भाग्य का खेल कहा जाता है। बहुत बार देखा जाता है अंदरूनी किनारा लगने के बाद गेंद विकेट कीपर के बाएं छोर से दाएं छोर से सीमा रेखा से बाहर चली जाती है, पर कई बार ऐसा भी होता है वहां बैट का भारी किनारा लगने के बाद गेंद विकेटों से जा लगी और बल्लेबाज के पास ज्यादा मौका था नहीं वहां पवेलियन में जाने के रास्ते के सिवा, और वो चल भी पड़े वहां पर। चार विकेट एट द इंटरवल्स जिसकी हम बात करते हैं, वहां पर वन ब्रिंग्स टू, टू ब्रिंग्स थ्री, तो दो विकेट, जहां पर एक अच्छी साझेदारी, बट टेन ओवर फॉर्मेट में आपको अलाउ होता है, यानी कि आपके पास वो कवरेज होता है कि आप जिस प्रकार से विकेट्स गिरे हैं तो आप वो जो बस बॉल क्रिकेट की आप बात करते हैं, यानी कि आइए धमाकेदार बल्लेबाजी कीजिए, बट स्पिनर्स के तौर पर हमने जो हैट्रिक देखी है, बल्ला तो बहुत तेजी के साथ घुमाया है बट क्या ये उतना अच्छा संपर्क पाया है। बिल्कुल बल्ले को भी तेजी के साथ घुमाया है और गेंद को भी घुमाया है, यहां से छह रनों के लिए बाहर पहुंचा दिया बल्लेबाज ने। एक बार पुनः खेला इस गेंद को, इस बार खतरा हो सकता है, फील्डर गेंद के नीचे है, सफलता मिलती हुई यहां से। थोड़ा
थोड़ा सा तकनीकी टर्म पर बात करें तो सेम लाइन पर बॉल था, थोड़ा सा फुल टॉस था, बट इसे थोड़ा सीधा ज्यादा खेलने चले गए। अगर वो स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलने जाते हैं, थोड़ा सा डीप मिड विकेट पर खेलने जाते तो शायद एक ज्यादा बेहतर विकल्प हो सकता था, बट उन्होंने ज्यादा सीधा खेलने का प्रयास किया। और वो जो विंड है, हल्की हल्की जो हवाएं हैं, वो आपको विद द विंड अगेंस्ट द विंड बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैच में अदा करता है। तो क्या आपको भी लगा जिस प्रकार से हमने रिप्ले देखा रिजवान चांद जी, अगर उसे विद द फ्लो अगर वहां पर डीप मिड विकेट पर खेल देते तो शायद एक ज्यादा बेहतर विकल्प हो सकता था, क्योंकि गेंद उनके आंख में था, फुल टॉस बॉल था। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये गेंदबाज भाग्यशाली भी रहे हैं, जिस प्रकार से पहली गेंद पर सफलता मिली थी उसके बाद इस बार जो फुल टॉस गेंद थी, और एक बल्लेबाज है वो ज्यादा दूर मारने के प्रयत्न में थे, वहां पर दूरी उनके दिमाग में चल रही थी, संपर्क अच्छा हुआ नहीं, अंतिम क्षणों में बैट भी हाथ में थोड़ा सा घुमा था वहां से, और इसीलिए अच्छा संपर्क हुआ नहीं वहां। और आप बात करें तो बिल्कुल गलत क्षेत्र को भी चूज किया वहां से। इसी बीच ये गेंद रक्षात्मक तरीके से खेला, रन के लिए निकले हैं, एक रन दो पूरा कर भी लेंगे वहां पर, एक रन दौड़ के पूरा किया, अच्छे ओवर की समाप्ति, सफल ओवर, 8 रन खर्च किए, 2 सफलताएं अर्जित करी यहां से, 4 के बाद 50, 3 विकेट के नुकसान पर। और 4 ओवर हो चले हैं समाप्त, 50 रन पर पहुंचा है टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान के बाद। अब देखते हैं कि 4 ओवर के पश्चात यहां पर अब कैसे 5वां जो इंपॉर्टेंट ओवर है उसमें क्या कमाल कर पाते हैं, क्योंकि विकेट्स एट द रेगुलर इंटरवल्स चाहिए यहाँ पर, क्योंकि आने वाली जो 36 गेंदें उसमें ज़्यादा रन चाहिए नहीं, वो जो टॉट बॉल से 41 रन अब चाहिए होंगे आने वाली 36 गेंदों में इस मुकाबले को जीतने के लिए। आज के दिन का पहला मुकाबला, 6 मुकाबले आज के दिन भी आप सभी के समक्ष आएंगे। ये यही वो उत्सुकता है, ये यही वो बात है जिसके बारे में हम करने जा रहे थे कि विकेट से कैसी चीज है। और बिल्कुल मैं बात भी कर रहा था रोमिता जी के साथ, बात कर रहे थे मोमेंटम की, बात कर रहे थे 3 के बाद स्कोर 41 रन था वहां से, यही बात थी इस मोमेंटम को कहां तक लेकर जा सकते हैं, पर कहीं ना कहीं अगली ओवर में मोमेंटम ब्रेक हुआ, 2 विकेट निकले, तो उसके बाद हम नए गेंदबाज सोनू गुर्जर आए, आते ही उन्होंने भी सफलता अर्जित कर ली, पूरी तरीके से मोमेंटम ब्रेक हुआ है। अब मोमेंटम है वो पूरी तरीके से वीर तेजा क्लब भीलवाड़ा के पक्ष में आ चुका है यहां से जी। यही होता है जैसे आपने कहा, मोमेंटम ब्रेक कर देते हैं तो मुश्किल हो जाता है फॉर द टीम टू कोप अप विद द बिग स्कोर, बट अभी भी गेम बाकी है। और बिल्कुल लिमिटेड ओवर द क्रिकेट है, 10 ओवर के मुकाबले हैं, ज्यादा समय लगता नहीं है मोमेंटम चेंज होते हुए, 1-2 अच्छी हिट है वो आपको मोमेंटम बल्लेबाजी की तरफ ले आती है, 1-2 विकेट है वो मोमेंटम गेंदबाजी की तरफ ले आती है। इस समय साहिल फोगाट बल्लेबाजी कर रहे हैं, खेला है इस गेंद को वहां, अनुप्रिया जी भाग्यशाली रही, चोटिल नहीं हुई वहां, बट फिर भी अभी 34 बॉल्स में यू हैव 61 रन्स, सो फिर भी सेफ साइड है हरियाणा चौधरी क्लब के लिए। 4 विकेट्स नुकसान हो चुके हैं, बट इफ कोई भी बैटर और अच्छा पार्टनरशिप बनता है अभी तो स्कोर बन सकता है, क्योंकि इतना अनअचीवेबल नहीं दिख रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, जिस प्रकार से यहाँ रन बनते नहीं, रन बरसते हैं ये भी देखा है हमने, रन बहते हैं यहाँ पर, उसके लिए किसी एक बल्लेबाज को जिम्मेदारी लेनी होगी, यहाँ से विकेट पर समय गुजारना होगा यहाँ से। अगर आप विकेट पर समय गुजारते हैं कुछ समय तक, अगर विकेट पर खड़े रहते हैं तो फिर रन आते हैं, रन आना यहाँ कोई बड़ी बात है नहीं, पर समय निकालना होगा वहां पर, धैर्य दिखाना होगा, पेशेंस दिखाना होगा। इस बार खेला है इस गेंद को, क्या आप पकड़ेंगे केस, कमाल का केस वहां पर, Yeah.
एक और विकेट का लॉस, द स्कोर्स आर 52 for 5। And it's time for the drinks break now. स्वागत है एक बार पुनः आप सबका ड्रिंक्स ब्रेक के बाद। मुकाबला बनता हुआ यहां से रोमांचक स्थिति में, इस बार इस गेंद को खेला है वहां, अच्छा चित्रक्षण, निश्चित तौर पर खराब गेंद थी। चलो कुछ अच्छी गेंदों पर विकेट मिले और कुछ बल्लेबाजों ने थ्रो किए हैं अपने विकेट। कुछ बल्लेबाज ऐसे नजर आए कि थोड़ा सा वहां पर ज्यादा कैजुअल होते हुए नजर आए, फुल टॉस गेंद ही दो हमने फुल टॉस बॉल पर विकेट होते हुए देखे, जिस पर आप सबसे ज्यादा रन बनाना चाहते हैं। पर चले अभी ये ओवर यहाँ पर समाप्त हो जाएगा, यानी कि अभी आपका स्कोर बोर्ड नजर आएगा 53 विकेट के नुकसान के बाद। थोड़े से कुछ एक्स्ट्रा विकेट्स यहाँ पर, रन गति बिल्कुल सही चल रही है, पर जो 5 विकेट गंवाए हैं उसको कैपिटलाइज करना होगा। और अगले जो 5 ओवर डालने हैं गेंदबाजी टीम को, निर्धारित समय में डालने हैं। अगर वो चाहते हैं कि अंतिम ओवर में उनके प्रॉपर फील्डर सर्किल के बाहर रहें, तो उन्हें अगले शायद 18-17.5 मिनट में आपको अगले 5 ओवर शायद डालने पड़ेंगे। हम फाइनली ऑफिशियल जो है अपडेट हमारे थर्ड एम्पायर से लेंगे जरूर कि कितने मिनट शेष बचते हैं। अशोक जी साहब हमारे साथ वहां पर टीवी रेफरी के तौर पर मौजूद, इस मैच के ऑफिशियल रेफरी। इस बार फिर से फुल टॉस गेंद था, गाइड करने की कोशिश की थी और बहुत कम समय धीरे धीरे बच रहा है, यानी कि लगभग अब 14-15 मिनट के अंतराल में शायद ये अगले 4-5 ओवर डालने होंगे। और परेशानी का सबब हो सकता है यहां से, क्योंकि चेजिंग करते हुए हमेशा से डिफिकल्ट रहता है। अगर आपको 5 की जगह 4 ही क्षेत्र मिले, इस बार भी फुल टॉस गेंद थी। फ्लिक किया इस गेंद को, बिल्कुल युवराज सिंह की याद आई, जैसे ही देखा फ्लिक किया था और फ्लिक करते ही गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। वहां इस बार फुल टॉस का पूरा फायदा उठाया वहां पर बल्लेबाज योगी बन्ना ने। और मैं बता रहा था यहां से 13 मिनट के करीब का समय शेष रहा है, निर्धारित 4.2 ओवर गेंदबाजी करने के लिए आपको, तो परेशानी का सबब बन सकता है यहां गेंदबाजी, कप्तान के लिए चिंता की लकीरें, चिंता का सबब बन सकता है यहां से। अगर समय रहते ओवर रेट को न बढ़ाया गया यहां से, क्योंकि आप इमेजिन कीजिए अंतिम ओवर में 12-13 रनों की आवश्यकता हो और आपको बाउंड्री रोड पर 5 के बजाय अगर 4 ही क्षेत्र रक्षक मिले, तो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं होगा आपके लिए। अच्छा, आप कभी कभार परप्लेक्स हो जाते हैं, तो वो परप्लेक्सेशन अगर आप नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि आपकी पूरी टीम रिलेंटलेस रहे, बहुत ही अच्छी तरह से मैच को फ्रेम अप यहां पर करे, तो आप हर एक फील्डर चाहते हैं। और इस ओवर में टाइम को एडजस्ट करते हुए दिखाई भी दिए, बड़ी जल्दी जल्दी गेंदबाजी करने आए। कल हमने देवामी को देखा, जब उन्होंने शुरुआती 5 ओवर सही समय में समाप्त नहीं किए, तो अगले 5 ओवर उन्होंने बहुत तेजी तेजी से डालते हुए नजर आए, जिसमें रिजवान चांची बताऊं नदीम धरूनी ने तो एक ओवर लगभग 1.5 मिनट में समाप्त कर दिया था, बल्कि वो तेज गेंदबाज स्पिनर नहीं है। और बिल्कुल, और मैं कल बात कर रहा था फिटनेस की,
संभवतः मैंने पहला जिक्र नदीम धंधूरी का किया था, वो इसीलिए किया था, द फिटेस्ट खिलाड़ी हैं वो राजस्थान टेनिस क्रिकेट के। और कल की रात्रि में आपने देखा भी होगा, वैसे भी बहुत सारी जगह नदीम भी पूरे भारत में क्रिकेट खेलते रहते हैं, और आप भी जिस प्रकार की शख्सियत हैं, बड़े जितने भी बड़े इवेंट होते हैं वहाँ आप बिल्कुल आप ही एज ए कमेंटेटर एज ए उनका जुड़ते रहते हैं, तो आपने भी बिल्कुल देखा होगा। स्कोर 60 रन 5 विकेट के नुकसान पर, और ये देखिए समय सुनाई दे रहा है वहाँ पर, कप्तान बोल रहे हैं कि जल्दी कीजिए, समय है नहीं हमारे पास, समय का सदुपयोग करना भी चाहिए। अब यहाँ से 24 गेंद 51 रनों की आवश्यकता, और अब थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं वहाँ, और ये अच्छी बात भी है, जब भी इस समय अच्छी गेंदबाजी हो रही है तो जितनी गति के साथ जितनी तेजी के साथ गेंदबाजी कर ले वो बेहतर। इस बार अच्छा संपर्क है, गेंद सीमा रेखा से बाहर, और एक और बार थोड़ा सा धीमा गति का ये बॉल था, थोड़ा सा पर लो फुल टॉस डाला जिसके पश्चात वो शॉट खेला स्क्वायर ऑफ द विकेट, और एक बहुत ही काबिल तारीफ शॉट, कई बार हमने देखा है फुल टॉस पर विकेट जाते हुए पर इसे बिल्कुल स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलने गए। एक बार फिर से फुल टॉस गेंद, एक बार फिर से खराब गेंद, सोनू आए गेंदबाजी पर, पहले ओवर में ने दो विकेट मिले थे रिजवान चौहान जी, बट इस ओवर की दो गेंदों में दो बड़े शॉट, और अगर तीन गेंदों में लगातार तीन छक्के आएंगे तो यहां पर इनामी राशि जो है जो नगद पुरस्कार दिया जाता है वो हैट्रिक ऑफ सिक्सेस पर बल्लेबाज का वो मिल जाएगा। और बिल्कुल ये बल्लेबाज योगी बना अलग बल्लेबाज नजर आए हैं, टाइमिंग कमाल की इस बल्लेबाज की, ज्यादा तेज मारने का प्रयत्न नहीं करते, मात्र टाइम करते हैं। ये देखिए इस बार भी, इससे पहले भी दो फ्लिक किए थे, और वहां थोड़ी सी खराब गेंदबाजी भी कहना चाहेंगे, पिछले ओवर में एक फुलटॉस गेंद पर विकेट मिला था पर इस बार बल्लेबाज योगी है वहां। देखिए इस बार पुनः खेला इस गेंद को, यह गेंद भी सीमा रेखा से बाहर चली जाएगी, और यह होता है जब जब बल्लेबाज अपने रंग में होता है गेप्स है वो मिलते चले जाते हैं, जैसे उनके बल्ले से संपर्क होता है गेंद सीमा रेखा से बाहर चली जाएगी। और कल हमने देखा था मैक्सवेल के साथ भी, कल की रात्रि में जो भी उनसे संपर्क हो रही थी गेंद सीमा रेखा से बाहर जा रही थी, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यहां अफगानिस्तान के क्षेत्ररक्षण भी कर रहे हैं, जहां भी उनके बैट के साथ संपर्क हुआ गेंद सीमा रेखा से बाहर, और ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं वहां पर, जब मन चाहा जहां मन चाहा, खासकर इंजर्ड होने के बावजूद उनका एक फुट वहां पर काम नहीं कर रहा था, जब हमने हाइलाइट्स में देखा तो बिल्कुल बहुत कहरा रहे थे दर्द से, बट जो उन्होंने कल पारी खेली वो सिर्फ कैसी पारी को बनाते हैं ये नहीं दिखाता है, वो जो दृढ़ निश्चय जो हम हौसलों की बात करते हैं, बिल्कुल उन्होंने ये नहीं सोचा जब 95 पर लगभग 7 विकेट थे पैट कमिंस उनके साथ थे कि अब यहां से मुकाबला जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, यहां से मैच में वापस नहीं आ सकते। एक लौते दम पे 200 रन बनाना 290 के टारगेट में, बहुत ही अद्वितीय पारी कल उन्होंने खेली थी, और वैसी पारी हम चौधरी क्लब में किसी बल्लेबाज से देखना चाहते हैं। क्या यहां पर फिर से शॉट, बहुत अच्छा है, एक हाथ से कैच पकड़िए, और इस बार जीतू ने गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया। और बिल्कुल हम बात करते हैं दृढ़ निश्चय की, आत्मविश्वास की, हौसलों की, कल के मुकाबले में वही देखने को मिला था, क्योंकि आप बात करेंगे जब भी बेहतर बल्लेबाज के लिए आपका फ्रंट फुट बेहतर होना चाहिए, आपके कदम चलने चाहिए, पर कल के मुकाबले में उनके दोनों पांव नहीं चल रहे थे, वो एक स्थान पर खड़े हुए थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे, और एक चीज और भी देखने को मिली, वो एक ओवर वहां से कमिंस खेल रहे थे, वो इतने दर्द से कहरा रहे थे कि वो एक रन भी नहीं दौड़ रहे थे, गेंद सीमा रेखा पर जा रही थी फिर भी वो रन लेने की स्थिति में नहीं थे, पर उनके पास दृढ़ निश्चय था, हौसले थे और खुद पर विश्वास था, और इसीलिए कहा जाता है फर्ज का एहसास होना चाहिए, कर्म अपने पास होना चाहिए, कामयाबी चूमेगी आपके कदम, बस विश्वास अपने पास होना चाहिए, और कल वो विश्वास दिखाया था ग्लेन मैक्सवेल ने, जिस प्रकार की बल्लेबाजी की थी, दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ निश्चय, चाहे जो जितने वर्ड हैं आपके पास सभी वर्ड हैं, आप उस बल्लेबाज की बल्लेबाजी को दे सकते थे कल की रात्रि में जो बल्लेबाजी की। और आप निश्चित तौर पर देखेंगे सोशल मीडिया पर भी ग्लेन मैक्सवेल की बड़ी तारीफें हो रही थी, और कहीं ना कहीं ये क्रिकेट की जीत थी सही मायनों में, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल रहे थे, भारत के लिए नहीं खेल रहे थे, पर कहीं ना कहीं भारतीय जो क्रिकेट प्रेमी थे वो सब प्रशंसा कर रहे थे उस पारी की। इसी बीच हवा में गेंद, एक और सफलता वहां से, चल 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 च
चल बहुत ही फ्लैटर्ड कल इनिंग्स वहां पर खेली, बट उसी इनिंग्स के साथ साथ आज के अगर हम समझ को देखें 17 गेंदों में 28 रन, हमने 12 गेंदों में 16 गेंदबाजी टीम को अक्सर एक बार बचाते हुए देखा है, क्या वैसा ही कारनामा यहां पर ये गेंदबाजी टीम बचा पाएगी? क्योंकि हमने पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए एक्स्ट्रा एडवांटेजेस देखे, क्योंकि चीज में कभी कभार आप थोड़ा सा वहां पर परेशान हो जाते हैं, थोड़ा सा वहां पर एक्स्ट्रा चीज जब करते हैं तो आप थोड़ा सा वहां पर अतिरिक्त थ्रिल के बीच में घुस जाते हैं, वो चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। बट 17 गेंदे 28 रन, समय जो है बड़ा बलवान होता है। और वैसे हम बता दें हमारे दर्शकों को जो हमें लाइव भी देख रहे हैं, जो हमारे साथ यहां पर भी मौजूद हैं, जब भी अतिरिक्त समय कोई बल्लेबाजों की तरफ से या फिर एम्पायर की तरफ से लिया जाता है तो वो जो टाइमर है उसे रोक दिया जाता है, यानी कि जितनी गेंदबाजी टीम ने वह समय लिया है उसे यहां पर काउंट किया जाता है। और बिल्कुल इस समय मुकाबले की इस समय की जो स्थिति की बात कर लें, और जैसे एक मूवी का वो डायलॉग भी है, हारने का डर और जीतने का मजा, बीच का जो समय है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, और इस समय वही समय चल रहा है। दोनों टीमों के यहां से जीतने की उत्साह भी नजर आ रहा है और हारने का डर भी नजर आ रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ देखिए 6 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं, और वहीं अगर बल्लेबाजी गेंदबाजी के लिहाज से बात करें मात्र 28 रनों की आवश्यकता। अब कौन सी टीम अपने नज्म कंट्रोल कर पाती है, यहां से वही टीम एडवांटेज में रहेगी। इसी बीच वाइड का इशारा वहां से, पर थोड़ा सा गेंदबाजी टीम को वो चीज भी स्मरण में रखना होगा, समय की का अभाव है उनके पास। अगर अंतिम ओवर में कहीं एक अतिरिक्त क्षेत्ररक्षक अंदर लेकर आना हो गया, इसी बीच एक और किनारा मिला है सहारा। खराब बल्लेबाजी कही जाएगी। 6 मिनट से कम का समय शेष बचा है, यानी कि वो जो अल्टीमेट काउंटडाउन है वो शुरू होगा। गेंदबाजी टीम आपको उस समय के अंतराल में वहां पर अपने ओवर्स को समाप्त करना होगा, यानी कि अगले जो 15 गेंदे हैं उसे आप क्या 6 मिनट से कम में क्या समाप्त कर पाएंगे, क्या यहाँ पर जो आने वाली 15 गेंदे हैं 27 रन जिसमें चाहिए वो यहां से कुछ बदलाव की तरफ ले जा पाएंगी। 15 गेंदे 27 रन 84/7, थोड़े से विकेट्स वहां पर एक्स्ट्रा जरूर गए। एक और बार चमत्कार को नमस्कार है, लीजिए विकेट के सिलसिले में एक और विकेट को यहां पर जोड़ दिया गया है। 84/8, 13 गेंदे 27 रन, मैच एक बार फिर से पलटा है, मैच एक बार फिर से यहां पर पलटवार की तरफ झुका है। अद्भुत अद्वितीय विश्वसनीय प्रशंसनीय क्या थ्रिल यहां पर है। 13 बॉल में 27 रनों की आवश्यकता, वीर तेजा क्लब भीलवाड़ा यहां पर देखिए दो खेल प्रेमी आपस में वार्तालाप करते हुए कि किस तरह से मैच है ये यहां पर कारगर साबित हो सकता है। शायद दिनेश सियाग जी अजीत करवासरा से यहां पर यही कह रहे थे कि मैं होता भी गेंदबाजी पर तो मैं रोक सकता था, या फिर अजीत कहते हुए अगर मैं बल्लेबाज होता तो शायद 13 गेंदे मुझे लगती नहीं 27 रन बनाने के लिए, आपकी सिर्फ 7-8 गेंदों में उतने रन बना देता मैं। बट ये देखिए 8 विकेट हो चुके हैं, यहां पर वो नहीं खेल रहे हैं, यहां पर ये खेलेंगे कौन सी टीम। एक तरफ आपको नजर आ रही हरियाणा चौधरी क्लब, तो दूसरी तरफ आपको नजर आ रही वीर तेजा क्लब भीलवाड़ा। 13 गेंदे 27 रनों की आवश्यकता थी इस गेंद से पहले, अब 12 गेंदों में 27 रन चाहिए, 2 ओवर्स। जी हाँ, 12 गेंदे 26 रन, क्योंकि एक सिंगल वहां पर आया था। और एक बार हम फिर से कार्तिक को याद करते हैं और निश्चित तौर पर यही भगवान से मनोकामना करते हैं
कि हमेशा वो अपने श्री चरणों में इस पवित्र आत्मा को स्थान दें और खेल से जिनका हमेशा जुड़ाव रहता है। और एक और जरूरी चीज हम बताना चाहेंगे यहां पर बहुत बहुत अद्भुत अंदाज में कि मनोज जाट 5 विकेट पूरे कर चुके हैं अपने। एक बार मनोज के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए जिस प्रकार से उन्होंने अपने कमाल के स्पेल को डाला है। 12 गेंदे 26 रन चाहिए, अब 11 गेंदे अकेले यहां से चीज बचेगा। ग्यारह गेंदे 25 रनों की अब यहां से आवश्यकता है। आप सभी में देख पा रहे हैं टेनिस क्रिकेट टॉटन और रुक्मी राम जी के पेज पर लाइव। ये देखिए बड़ा शॉट है, क्या गेंद सिर्फ ऊंची गई है या फिर दूरी है? गेंद ऊपर है, गेंदबाज नीचे है, फॉलो थ्रू में कहा कि टाटा बाय बाय खत्म। और बिल्कुल हम बताना चाहेंगे यहां से एक समय 83 रन 5 विकेट के नुकसान पर वहां से हम बात भी कर रहे थे आपको विकेट पर समय निकालना होगा, यहां से समय व्यतीत करना होगा वहां से, पर विकेट पर समय व्यतीत नहीं कर पाए। जो भी बल्लेबाज आ रहे हैं बड़े जल्दबाजी में आते ही इस गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचाने का प्रयत्न है वो कर रहे हैं यहां से, पर अभी तक सफलता मिली नहीं है वहां। बैक टू बैक तीसरी सफलता मिलती हुई यहां से इस समय नाजुक स्थिति में 86 रन 8 विकेट के नुकसान पर 10 गेंद 25 रनों की संभवतः 9 विकेट हो चुके हैं यहां से। जी हाँ, 9 विकेट और 10 गेंदों में 25 रनों की आवश्यकता। और देखते हैं कि अगले जो 10 गेंदे हैं उसमें कैसे कारगर साबित हो पाएगी ये टीम, या फिर जो है एक बार फिर से वीर तेजा क्लब भीलवाड़ा जिन्होंने कहा भी था कि हम एक युवा टीम के साथ आते हैं, एक जुझारू टीम के साथ आते हैं, और वो जुझारूपन उनमें नजर आया है, वो लड़कपन उनमें नजर आया है, वो फाइटिंग स्पिरिट उनमें नजर आई है, वो कंपिटेटिव प्रदर्शन दिखलाने की वहां पर शैली उनमें नजर आई है। अगली गेंद पर क्या लगता है हरियाणा चौधरी क्लब, क्या सोच रखनी चाहिए? हर गेंद पर प्रहार करना चाहिए, क्या शायद यही एक विकल्प बचा है? 9 गेंदे 24 रन बिल्कुल यहां द्वंद्व की स्थिति उनके लिए, क्योंकि जब समय था 18 गेंद 28 रनों की आवश्यकता, 5 विकेट शेष थे, वहां अगर किसी बल्लेबाज ने थोड़ी सी भी सेंसिबिलिटी दिखाई होती तो इस समय बेहतर स्थिति में होते। अब यहां से वही बात है, आपको जीत 4 से 5 हिट लगाने होंगे, बट गेंदबाजों के लिए एक अच्छी गेंद वो बिल्कुल बेहतर रहेगी यहां से। और दूसरी तरफ बात करें 8 गेंद इस समय 24 रनों की आवश्यकता, रिक्वायर्ड रन रेट भी 18 का। क्लीन बॉल यहां पर, इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है वहां पर वीर तेजा क्लब भीलवाड़ा ने।